अरे वो कहाँ है भाई? डायरेक्टर गुस्सा हो रहा है, जल्दी बुलाओ उसे। अब तक तो यहीं था सर, दम मारने गया होगा शायद। वो देखिए वो सर आ गया। ए कहाँ था यार? You saw the film, baby? It's mind blowing. Hi. Good morning. Good morning. Any calls for me? No, no calls for you. UTV, good morning. Hi. Hi, Purush. Hey, मेरा नाम पुरुष नहीं है, पुरुष है, पुरुषोत्तम। इस जन्म में तो तुम्हें हिंदी आने से रही। हे, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मैं एक सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूँ और तुम एक साधारण VC, वीडियो कैमरामैन। सबके सामने मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत बंद करना। ओके मैडम, वैसे आज हम कहाँ जा रहे हैं? श्रीसलम में उत्सव के लिए? नहीं, पॉप एल्बम शूट करने। ओके, हमें जल्दी से निकलना है। मुझे जल्दी निकलने के लिए कह रही है? पहले आप ड्रेस तो पहन लीजिए। यही मेरी ड्रेस है। ओके। और तुम्हारा असिस्टेंट बलराम कहाँ है? एक्सक्यूज मी, मुझे माइक लगाना है। सर, मैं गाना गाने नहीं आई हूँ, तो माइक किस लिए? गुड क्वेश्चन। नाचने वालों को भी माइक लगाना है, यही प्रथा यहाँ पे चलती है, तो प्लीज कोऑपरेट। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड माइक, कहाँ पे बैठना है? देखो कुछ तो बात करो। क्या बात करूं? आई लव यू कहो। ए बलराम, तुम आदमी की तरह कैसे बोल रही हो? अरे मैं हूं रे। अरे दरिद्र मामा, यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये कैमरामैन नहीं है, लाइट उठाने वाला है। फूल। अरे दरिद्र मामा, अकल नहीं है क्या? चल निकल यहाँ से। इतने सालों बाद इतनी खूबसूरत लड़की को मैं सेट कर रहा था, तूने आके सब बिगाड़ दिया। आज तू मुझे बता ही दे, तू मेरी बेटी से कब शादी करेगा? डेट फिक्स करनी है। तू हड्डी का ढांचा है, अब तेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मतलब तू मेरी बेटी अंजलि से शादी नहीं करेगा? अंजलि हो या कोई भी हो, मुझे नहीं करना है। चल चल चल, निकल निकल निकल। मैं तेरी वीक पॉइंट पे टच करूंगा। चल निकल, कल देखिए। सर, आप कुछ देखना चाहेंगे क्या? सर, जाबे चिरकुट। क्या बोला तूने? अरे जाबे चिरकुट। तो क्या बोला? तो तू मुझे चिरकुट बोलेगा? अंकल की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता, रास्कल। अरे डेढ़ पसली, हंस रहा है तू? किसी को भी कमर पे गुदगुदी किया जाए तो वो हंसता है। उस भगवान ने मुझे गाली देने की सजा दी है, इसकी मदद से मुझे मार खिलवाना चाहता है। देख ले, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ कसम तेरी बेटी से मैं शादी नहीं करूंगा। मुझ पे हाथ उठाएगा तू, एक फूंक मारूंगा। मिस्टर बलराम, यहाँ आए हुए क्लाइंट को तुमने इतनी गंदी गाली क्यों दी? I have a spot in my what is English for कमर मैडम? Hip. Hip. Somebody चुट्टी काटिंग, I am चिल्लाइंग। पागल हुए हो क्या? सही रीजन नहीं बता रहे हो, तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। अबे जाबे चिरकुट। What? You are telling me? अबे जाबे चिरकुट, गंजे कहेंगे। Idiot. अपना फोन रखो। शाम को अपनी सैलरी ले लो। सर सर सर। हाँ तो मिस्टर बलराम, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे कि नहीं, बताओ? तेरी तो चली गई, मेरी नौकरी चली गई, उस डेढ़ पसली टकले के साथ मेरा झगड़ा हो गया। भाई तू किसी तरह अपने MD से बात करना कि मेरी वीकनेस क्या है। कौन सा वीकनेस? बताया तो था, कमर पे किसी ने गुदगुदी की, तो जाबे चिरकुट। अरे ड्राइवर रोको, मैं अंदर नहीं बैठूंगा, ऊपर बैठूंगा। कैसे पापा? अरे पुरुषोत्तम, तुम आ जाओ। वैसे आज कुछ स्पेशल है क्या? ये है स्पेशल। ये क्या पापा, मुझे आपने राजा बना दिया? पता नहीं क्यों आज तुम्हें राजा बनाने का दिल किया मेरा। आज क्यों सडनली? शादी के लिए तुम्हारी कुंडली मैंने एक ज्योतिष को दिखाई, मजा आ गया। उसने कहा बहुत अच्छी कुंडली है, 100 सालों में 2 ही कुंडली ऐसी होती है। अरे महाप्रतापी राजा की कुंडली ऐसी होती थी। उन्होंने कहा कि तू एक बड़ा नेता बनेगा, किसी बड़े न्यूज चैनल में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की नौकरी मिल जाए, या ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये पॉलिटिक्स, ये तो एक दलदल है पापा। जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। क्या हुआ? अरे आओ, क्या हुआ? वो देखो वो देखो, अरे वो देखो, नाम अभी नाम आ रहा है, हमारे बेटे का नाम आने वाला है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। अरे लड़की के घर पे फोन करो। अरे रे, थोड़ी देर और नहीं दिखा सकते थे? नालायक कहीं के, चला गया नाम। अरे 10 सेकंड के लिए तुम्हारे बेटे का नाम दिखा तो इतना चिल्ला रही हो? मुझे लगा कोई सांप या बिच्छू आ गया है। बंधन तो प्यार का बंधन है। ए, तेरे ऊपर मेरे 35 रुपए बाकी हैं। संगम। माँ क्या कर रही हो? माँ बच्चों की तरह मेहंदी लगा रही हो। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, कितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। फोटो देखो। अरे इसे देखो, टीवी पर वो लड़की आती है ना उसकी तरह। और ये वाली लड़की भी बिल्कुल हीरोइन की तरह है ना। तेरी फोटो भी दिखाई उन्हें, उन्होंने कहा शक्तिमान जैसा लड़का है। तुम्हारी जिंदगी ही टीवी हो गई है।
लड़की पसंद आई क्या? अच्छी है पर पता नहीं क्यों इसमें वो फील नहीं है पापा, है ना? हाँ हाँ। फील मतलब? क्या ना माँ, लड़की को देखते ही अंदर से फीलिंग दिल तक आनी चाहिए। ओहो। वो जो टीवी सीरियल में कुसुम आती है उसे देखकर फील आता है क्या? सुनो, तुम टीवी बहुत देखती हो ना, इसलिए टीवी का भूत। बहुत हो गया, आप चुप रहिए, बस यहाँ बैठे बैठे मुझे सताते रहते हैं। तुम मुझे बता कैसी लड़की चाहिए, मैं ढूंढूंगी। ओके। बादलों की तरह बाल, मछली की तरह आंखें, तोते की चोंच जैसी नाक, रसीले फल की तरह होंठ, शंख की तरह गर्दन, केले के पेड़ों की तरह पैर। मेरे सपनों की लड़की ऐसी होनी चाहिए। क्यों रे, ऐसी होगी क्या? गलती से अगर तूने लड़की ढूंढने का काम अपने पिता को दे दिया तो ऐसी ही लड़की ढूंढ के शादी करवा देंगे। क्या चित्र बनाया है, राक्षसनी जैसी। तुम भी ऐसी ही थी शादी से पहले। और तब आप कैसे थे? जैसा कार्टून बनाते हैं बिल्कुल वैसे। तुम बहुत खुश नसीब हो, खुश नसीब हो तुम। नमस्ते, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की सेवा के बारे में प्रजा को बताने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। क्यू टीवी के लिए पुथली गांव से योर्स वन एंड ओनली शानदार शुभा। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। सर 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 शॉल, ये आपके लिए सर। ए, यहाँ पे शॉल भेज रहा है क्या? चीफ सेक्रेटरी, आज का प्रोग्राम क्या है? गांधी की मूर्ति को माला पहनाना है। ये पहले बताना चाहिए था ना, पहले ही सब। अरे चलो चलो, चलो हटो, पढ़ने को नहीं सुनो, होता सुनो, है धोती बांट रहे हैं क्या? जो धोती पहना ना वो भी निकाल लेंगे, चल यहाँ से जा। हटिए हटिए, पीछे पीछे। साहब साहब, सीएम साहब, साहब मैं हूँ साहब, सुंदरम साहब, इंतजाम मैंने किया है सर। कैसा है साहब? साहब वो तुरंत आने वाला है साहब। सर आपसे मिलने के लिए मुझे छोड़ नहीं रहे साहब। साहब जाने दो, साहब की जाओ, साहब की जाओ, साहब की जाओ, साहब की जाओ। साहब साहब कैसे हैं साहब? साहब आपको छूने की इच्छा है, कोई छोड़ नहीं रहता साहब। आप सही सलामत रहो साहब। साहब की जाओ, साहब की जाओ। ए साइड में हो, साइड में हो, चलो हटो हटो, पीछे हटो, पानी की अच्छी आगे मत बढ़ना। हमारी सरकार बनने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ये स्ट्रीट लाइट्स कब लगाई गई? एक साल हो गए हैं सर। नहीं, झूठ कह रहे हैं। ये कौन है? सीएम पर बैन करो। बेटी, ये लाइट्स कब लगाई गई? आप आने वाले हैं इसलिए परसों ही लगाया है, अब तक करंट कनेक्शन भी नहीं दिया है। आपके सामने सिर्फ झूठ कह रहे हैं। हे, क्यों साहब का समय बर्बाद कर रही है? जा यहाँ से। तू होती कौन है? बीच में क्या घुस रहा है? चुप मत, शांत हो जाओ। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक चेयरमैन, 134 डी, 252 एईओ, उसके साथ 1800 ईवी वर्कर्स है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? सर दरअसल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा? वैसे भी तुमने आईएएस पास किया है, फिर इस काम के लिए सीएम जी को टेंशन क्यों दे रहे हो? क्यों सर? मुझे वजह मत सुनाओ, मेरा नाम खराब कर रहा है ये। सर थुरई राज ने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उन्होंने आपको हिस्सा भी दिया था सर, ऊपर से उनके पास हजारों वोटर्स भी हैं, इसलिए सर वो बिजली। ठीक है ठीक है, तुम्हें अब मुझे बिजली देनी होगी। ठीक है सर। अरे बाजू, क्या ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था। किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा? चौधरी जी जिंदाबाद, चौधरी जी जिंदाबाद, चौधरी जी जिंदाबाद। सच कहने के लिए तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूँ, तुम सलामत रहो। हार हार सर। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। हे लड़की, तू चुप नहीं रह सकती क्या? तेरी वजह से जो लाइट मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, किसी दिन किसी से मार खा जाओगी। हरीश चंद के खानदान की हो क्या? वैसे भी इस लड़की की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मैंने क्या गलत कहा? सच बोलना भी गलत है क्या? आप सब मुझे क्यों डांट रहे हैं? लाइट चालू नहीं है ना चीनू? हाँ दीदी। ए, क्या कर रहे हो? सीएम तो उस तरफ जा रहे हैं, तुम यहाँ किसे लाइन मार रहे हो? पान करो वहाँ।
सच बोलना भी गलत है क्या? हाँ है। आखिर हम इस गांव में क्यों जा रहे हैं? एक फूल को देखने के लिए। बहुत मजा आएगा। मजा तुझे नहीं, मुझे आएगा। कौन है? ताली किसने बजाई? मैंने, पुतले ने। ए पुतले, ये तुम्हारी कौन सी नई आदत है? बात कब से करने लगी? मुझे जो पसंद है मैं उन्हीं से बात करता हूँ। जो भी बात करनी है वही खड़ी रहकर करो। कौन हो तुम? मेरा नाम है पुरुषोत्तम, पिता का नाम है नारायण मूर्ति। मैंने BSc विजुअल कम्युनिकेशंस किया है, पेशे से QTV का कैमरामैन हूँ। उम्र है अब तक 1 साल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब से तुम्हें पहली बार देखा है ऐसा लगता है जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। मुझे वो लोग पसंद आते हैं जो चाहे सामने CM हो उन्हें सच बता देते हैं, और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो गलत समय पर कबाब में हड्डी बन जाते हैं। मैं खुद को तो भूल गया पर मैं आपको भूल नहीं पाया। मेरी पसंदीदा जगह आज और अभी से यही गांव है, पोथुली गांव। इस बीच अगर कुछ किया है तो आप जैसी देवी को मैंने अपने कैमरा में कैद कर लिया है। बस मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। वो क्या है ना, मैं पुतलों को अपना नाम नहीं बताती। हाँ तो फिर मुझे बता दो। बापरे। एक मिनट, हेलो, प्लीज एक मिनट, जरा सुनिए तो। अरे रुको। वैसे आपने मेरी फोटो ली क्या? हाँ ली थी। वैसे पूछ क्यों रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। अरे सुनिए। अकल है क्या? पढ़े लिखे हो ना, चलते हुए बस में चढ़ रहे हो, शर्म नहीं आती? तुमको दिमाग नहीं है क्या? स्टॉप पे बस क्यों नहीं रोकी तुमने? मैं बस रोकूं या ना रोकूं तू पूछने वाला कौन होता है? चल नीचे उतर। 9 बजे हमारा एग्जाम है, अगर ये बस छूट जाती ना तो हम एग्जाम नहीं दे पाते। एक तो बस रोकी नहीं, ऊपर से होशियारी दिखा रहा है। ए उतरेगा कि नहीं? नहीं उतरूंगा। नहीं उतरेगा? नहीं। ए चल नीचे उतर। चल उतर। उधर नीचे उधर। क्या कर रहे हो? उधर के हमारे स्टूडेंट को ड्राइवर ने मारा, पकड़ के पीटो इसे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, कॉलेज के लड़के मुझे मारने जा रहे हैं। गाड़ी रोको, रोको, गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। रोको, अरे इसे हमारे स्टूडेंट को मारता है। मारो मारो इसे, सारे बच्चे रखो, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। आज क्यों हाथ उठा रहे हैं? तूने स्टूडेंट के ऊपर हाथ कैसे उठाया? आज छोड़ेंगे नहीं इसे। नहीं छोड़ेंगे इसे। अरे हाथ कैसे उठाया इसने? रुको रुको रुको, कौन है ड्राइवर यहाँ? चुपचाप गाड़ी निकाल। तुझे पता है कितना ट्रैफिक जाम हो गया है? मैं कौन हूँ पता है ना? ड्राइवर है, रूलिंग पार्टी का ड्राइवर हूँ। अच्छा ये बात है, जल्दी से जाके कैमरा ला। ठीक है, पहले इनको अरेस्ट करो तब गाड़ी निकलेगी। ए चुप रहो तुम लोग। ए रुको रुको, इस ड्राइवर ने हमारे स्टूडेंट को मारा है, ये पहले माफी मांगेगा। ठीक है, पहले बस को साइड में लगाओ। पीक आवर में तुमने बस को लगा के पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया, तुमको पता है? बस निकालो जल्दी। गाड़ी नहीं निकालूंगा मैं। हेलो कंट्रोल रूम, यहाँ पे क्रॉस रोड सिग्नल के पास एक बस को रोक दिया गया है। स्टूडेंट्स ने ड्राइवर को मारा, ड्राइवर ने स्टूडेंट्स को मारा, ऐसा कह के दंगा कर रहे हैं। कई किलोमीटर तक बस की वजह से ट्रैफिक जाम हो गई है। कमिश्नर को जल्दी से स्पॉट पे आने को कहो, बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। ओवर। नमस्ते जी, ड्यूटी करने के समय ड्राइवर मुकदम को स्टूडेंट्स ने बहुत मारा है सर। जल्दी से सारे जिले के ट्रांसपोर्ट यूनियन लीडर से बात कीजिए सर। रास्ते में जितनी भी बस है उनको रुकवा दीजिए सर। भाई ऑटो जाएगा क्या? हाँ जाएगा ना, ऑटो को अपने सर पे रख ले और चला जा। जा। This is the too much. Hey, hey, macho macho, too much. Hey, macho macho. चल चल जा। सुनिए। हाँ? ये बस मंदिर जाएगी क्या? अंदर घुस जा, डायरेक्टली चला जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा क्या, तेरी तो स्ट्राइक हो रहा है, एक पाव में वड़ा रख के खाता हुआ जा। क्या रे, शहर में दंगा हो रहा है और तू बैठ के क्रॉसवर्ड खेल रहा है? ए, 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 ए,
ये क्या हो रहा है? ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? किसी तरह 32 की उम्र में हमारी बेटी की शादी तय हुई है। दुल्हन मंगलसूत्र यहाँ है, वहाँ दुल्हा बारात के साथ इंतजार कर रहा है हमारा। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, ऐसे समय में ट्रैफिक जाम कर दिया तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर ये शादी भी रुक गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? जाओ यहाँ से। ये बस भी रुक गई, अब क्या करूँ मैं? लास्ट चांस इंटरव्यू के लिए मिला है, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। भैया 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 गाड़ी निकालने को कहो भैया, मेरे पति की हालत बहुत खराब है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं भैया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। मैं क्या करूं भाई, अब आगे की गाड़ी जब तक नहीं जाएगी मैं कैसे निकाल सकता हूं? अब मैं क्या करूं? सर, बस के ड्राइवर को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो बात मानने को तैयार ही नहीं है। सर, ए, हटो हटो रास्ते से, हटो, चलो। सर सर, हम लोग रिपोर्टर है सर, हमें मत मारिए। लड़ाई एक स्टूडेंट और ड्राइवर के बीच हुई और तुम लोग पूरे शहर के ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हो। ड्राइवर कौन है? चलो गाड़ी निकालो। हम नहीं हटाएंगे। यहाँ पर आओ, गाड़ी चला लेते हो? यस सर। जाकर उस गाड़ी को साइड में लगाओ। जल्दी क्लियर करो, चलो जल्दी। हाँ, चढ़ाओ चढ़ाओ मेरे ऊपर। चलाओ, वो खुद ही उठ जाएगा। चढ़ाओ ना, क्या हो गया? अगर मुझ पे गाड़ी चढ़ाओगे तो मेरी जात के लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरे राज्य में दंगा हो जाएगा। चढ़ाओ चढ़ाओ मेरे ऊपर, आओ आओ। हे, तुम ये सब बीच में क्यों ला रहे हो? छे, अल्फा कॉलिंग कंट्रोल, सीएम को तुरंत कनेक्ट करो। हेलो साहब, मैं वीर हसन बोल रहा हूँ साहब। हमारे बस के ड्राइवर पर पुलिस के ड्राइवर ने बस चढ़ा दिया सर, मेरा खून खोल रहा है सर। हम लोगों ने चूड़िया नहीं पहन रखी हैं, उन्हें सबक सिखाना होगा सर। हर रास्ते को बंद करवा दीजिए, एक भी बस ऐसे से हिलनी नहीं चाहिए सर। सर, कमिश्नर लाइन पे है सर। क्या है सर? यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। एक तरफ रूलिंग पार्टी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जात पात की बात हो रही है। लगता है दंगा हो जाएगा। अगर आप परमिशन दे तो मैं यहाँ का सिचुएशन 10 मिनट के अंदर कंट्रोल कर सकता हूँ सर। ओवर। सुनो, जल्दबाजी में कुछ मत करना। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का आदमी है, दूसरा ड्राइवर मुझे जिताने वाली जाति का है। विद्यार्थियों के सपोर्ट की मुझे जरूरत है। उनमें से तुमने किसी पर भी हाथ उठाया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। डैम इट। तो फिर अपने एक के सपोर्ट के जाने के डर से आफ्टर ऑल वो हैदराबाद पार्टी और छोटे छोटे पार्टी के नेता गवर्नमेंट को डरा रहे हैं सर। अगर इस समय हमने कुछ भी किया तो रास्ते में दंगे हो जाएंगे सर। एटलीस्ट टीयर गैस इस्तेमाल करके जनता को भगाने के लिए कहिए। मूर्ति, तुम्हारे कहने पर टीयर गैस छोड़ने को कहा तो जनता नहीं भागेगी, मेरी पार्टी भागेगी। क्योंकि जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ उसके चार पैर मेरे नहीं है। एक पैर वोट देने वालों का है, दूसरा पैर जातिवादियों का है, तीसरा पैर हमारी पार्टी को पैसा देने वाले पैसे वालों का है, चौथा पैर हमारे कार्यकर्ताओं का है। इनमें से एक पैर भी गया तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इस समस्या पे बहुत ध्यान नहीं देना है, हमें राजनीति करनी है इस पे। ए कमिश्नर, नो अरेस्ट नो टियर गैस। कुछ देर चिल्ला के वो खुद चुप हो जाए। दो टीवी लेके कहाँ जा रहे हो? एक बड़े घर के लिए और एक छोटे घर। हर जगह चोरी हो रही है, क्या था छोटे घर के लिए? शुरू हो गया होगा, अब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। सर, यहाँ की स्थिति कंट्रोल से बाहर है। यहाँ लोग दुकान लूट रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, बस जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हैं। शूटिंग ऑर्डर के बिना कंट्रोल नहीं हो सकता है सर। hey, शूटिंग ऑर्डर देना होता तो मैं कब का दे चुका होता। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है ये पता है? एक दो शीशे टूटेंगे, कोई फिक्र नहीं। मैं उनकी जाति के मंत्री शिक्षा मंत्री को वहाँ भिजवाता हूँ, तब तक तुम मैनेज करो। छे, कैसा मंत्री है, कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। इतना खून बह गया है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। पास में कोई हॉस्पिटल है? हाँ, एक किलोमीटर दूर पे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, लेकिन इतनी भीड़ में इसे हम लेके कैसे जाएंगे? ये पकड़। हाँ, दो।
हेलो हेलो कमलावती क्या मुझे लगा तुम्हारा नाम कमलावती है। अरे मेरा नाम कमलावती नहीं है। तो फिर सरोजनी होगा। ओ सरोजनी भी नहीं है। तो फिर कुसुम कुमारी। देखो मुझे ऐसे मत चिढ़ाओ। हाँ तुम मुझे अपना नाम बता ही नहीं रही हो तो फिर कैसे बुलाऊं? मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ओए छिपकली। अरे बस करो बस करो, कितना गंदा लगता है। जब तक नाम नहीं बताओगी तब तक यही तुम्हारा नाम। ओए छिपकली जाओ। एक कान खजूरे। कान खजूरे? अगर मैं छिपकली हूँ तो तुम कान खजूरे हो। नहीं तो क्या? नहीं झूठ बोल रहे हैं। देखो 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 फिल्म, देखो बायोस्कोप, देखो देखो अपनी तस्वीर को, देख के पक्का हंस लो। आपके सामने सब झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं हूँ ना लाड चाहू। नहीं है ना चीनू? तुम्हें ये पसंद आया? नहीं आया। क्यों? तुमने रोते हुए मेरी फिल्म निकाली है, कितना गंदा लग रहा है। छी। हलो हलो तुमने अपना फोटो तो देखा ना, नाम तो बताओ। उस फोटो में ही मेरा नाम देख लो। ए चंद्रमुखी अपना मुंह बंद नहीं कर सकती हो क्या? चंद्रमुखी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस दंगे की वजह बनने वाले विद्यार्थी का क्या हुआ ये जानने की किसी ने फिक्र नहीं की। मौत से लड़ते हुए उस विद्यार्थी को हमारे क्यू टीवी के कैमरामैन ने बहुत ही मुश्किल से हॉस्पिटल तक पहुंचाया। कुमार आप कैसे हो? ठीक हूँ। और 5 मिनट देर हो जाती ना, ज्यादा खून निकलने के कारण तुम्हारी जान भी जा सकती थी। थैंक्स डॉक्टर। थैंक्स मुझे मत कहो, उन्हें कहो। इस विद्यार्थी की जान बची सिर्फ और सिर्फ हमारे क्यू टीवी कैमरामैन मिस्टर पुरुषोत्तम की वजह से। कान खजूरा। क्या हुआ, सब इकट्ठा क्यों? तुम्हारे लिए हुए। क्या बात है यार? सर हुआ क्या, एनीथिंग स्पेशल? आपकी कवरेज की वजह से नेटवर्क में सेंसेशन बना हुआ है। हर चैनल ने उससे रिपीट किया है, ये पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषोत्तम कौन है। पता नहीं कितने फोन कॉल आ गए। टीआरपी रेटिंग आकाश छू रही है। आज से आप हमारे यहाँ कैमरामैन नहीं है, सीनियर रिपोर्टर हैं। थैंक यू सर। दूध ले लो, दूध ले लो। ए हिल मत, कमर को हाथ लगा तो चिल्लाएगा। ओके तुम जारे रखो। राउंड ट्रॉली। नाम है पुरुषोत्तम, शूटिंग कैमरामैन। वाओ सो नाइस। ए ये छिपकली का प्राइवेट मोमेंट है, चैनल बदल दे। हाँ बदल दिया। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। हेलो रुको तो मैं बताती हूँ। क्या रे मेरी नहाते हुए फोटो ली, अब टीवी पर दिखाकर पूरे शहर को दिखाना चाहती हो क्या? मुझे दिखाओ, पहले मुझे देखने दो, घुमाओ। रुको रिवाइंड करके दिखाता हूँ। मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? नहीं सच में रिवाइंड कर रहा हूँ, अब देखो। हटो। पीला
तुम्हारी रोती हुई सूरत तुम्हें पसंद नहीं आई थी ना, इसीलिए तुम कितनी खूबसूरत हो ये दिखाने के लिए सुबह 5 बजे से तुम्हारे पीछे शूटिंग कर रहा हूँ। और इस शूटिंग करने के चक्कर में बैठा था कि अचानक पैरों में कुछ चुभ गया, पता नहीं क्या था, और मैं चिल्लाया और तुमने मुझे पकड़ लिया। ये क्या हुआ? कोई कांटा होगा। कांटा नहीं, दांत है। दांत? दांत कैसे होगा? अरे बाप रे, तुम्हें सांप ने काटा है। क्या? सांप? बाप रे, मुझे सांप ने काट लिया, अब मेरा क्या होगा? ये क्या है? तुम्हारे गांव में सांप काटे तो उसका जहर मुंह से नहीं निकालते क्या? ये हरकतें बंद करो, कह रही सांप ने काटा तब भी पता नहीं चला, फोटो निकालने में इतने मग्न हो गए थे क्या? बेवकूफ कहीं के, अगर सांप जहरीला होता तो? तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी करोगे क्या? नहीं करूँगा। हाँ? और क्या, तुम पूछ रही हो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं हाँ कहूँगा। तुम पूछोगी जान दे सकते हो? जान नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ जीने की ख्वाहिश है। उस दिन तुमने सबके सामने मुख्यमंत्री जी से बिना डरे सच कहा था ना, उसी तरह अब मुझे भी जो मन में है बता दो। चंद्रमुखी, थैंक यू वेरी मच, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, रोने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी चंद्रमुखी हमेशा हंसती रहनी चाहिए, हंसकर बताओ, कम ऑन, ठीक है रोते हुए ही शूट कर लेता हूँ, तो फिर हंसो ना, जरा खुलकर हंसो मुखी, रोते हुए अच्छी लग रही थी, अब सुपर, ओके। अरे बाप रे, अरे ए, तुम डर क्यों गई? ए, अरे सुनो, ये चंद्रमुखी, चंद्रमुखी क्या हुआ? अरे रुको तो, ए चंद्रमुखी सुनो, क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या चल रहा था? आप कौन है मैं जान सकता हूँ क्या? उस लड़की का पिता हूँ। ससुर जी? ससुर नहीं, पिता हूँ। आपने इतनी खूबसूरत लड़की पैदा की, पहले आपका हाथ आगे कीजिए, कांग्रेस। मैं कांग्रेस नहीं हूँ। ओए मानिक्या, सुब्रो, मनोहर लाल, गिरी, कृष्णा, सब आ जाओ। भैया कौन है ये, हुआ क्या? मनोहर लाल हैं? ये लड़का हमारी बेटी चंद्रमुखी को छेड़ रहा था। आप बस इशारा करो, इसके हाथ पांव तोड़ देता हूँ। बाप रे, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, जोकरो जैसे कपड़े पहन के हमारी लड़की के पीछे पड़ा है? हेलो मिस्टर बनोहर लाल। मेरा नाम बनोहर नहीं, मनोहर लाल है। हाँ जो भी हो, कूल डाउन। कोल्ड ड्रिंक्स मैं नहीं पीता। अबे ओ चिरकोट, सॉरी ब्रदर, सॉरी, मेरा वीकनेस इनके साथ सिंक हो गया था, मैंने सच कह दिया, इतना टेंशन क्यों लेना? देखिए ससुर जी, देखो तुम मुझे ससुर जी कह के नहीं बुलाओ। मैंने आपकी बेटी से प्यार किया है, शादी करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं? देखिए मुझे, मुझमें क्या कमी है? मैं दिखने में तो तंदुरुस्त हूँ ही, साथ में थोड़ा बहुत स्टाइलिश भी हूँ, अच्छे से नाचता हूँ, गाता हूँ। बलराम शुरू हो जाओ, गाना गाओ। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, हे 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 हे, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा मैं। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, हे 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 हे, 12 मिनट भी लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा मैं। डिंका चिका डिंका चिका। वैसे मुझे थोड़ा बहुत कराटे भी आता है। थैंक यू। हाँ तो भाइयों, अब ये नारियल को अपने हाथों से फोड़ेंगे, आप लोग ताली बजाइएगा जरूर। शादी की परीक्षा दे रहे हो तो शौक तो लगेगा ना भाई। तू आज घर जाएगा हाँ। तब शौक दूंगा तुझे। फोड़ दे फोड़ दे मेरे भाई, फोड़ क्या, ये एकदम खंभा मोड़ेंगे आज नहीं तो। अच्छा तुम बताओ कैसा लगता हूँ मैं? चुपा
साहब। क्यों भाभी जी, मैं पसंद आया ना? दामाद के रूप में पसंद आ गए। शौक वर्कआउट हो गया। बेटा तुम हो कौन? अरे क्या कह रहे हैं, आप टीवी नहीं देखते क्या? मैं अपना खेत देखता हूँ। कुछ दिन पहले एक लड़के को बचाने के। तुम काम क्या करते हो? मैं क्यू टीवी में रिपोर्टर हूँ, सिलेक्शन ग्रेड वन। गवर्नमेंट है? नहीं प्राइवेट है। मुझे गवर्नमेंट की नौकरी ही चाहिए। इस उम्र में आपको नौकरी कौन देगा? ये मजाक की बात नहीं है, मेरा दामाद गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला होना चाहिए। देखिए मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ और हर महीने 25,000 तनख्वाह है, ये पीएफ एलटीसी सब कुछ मिलता है, गवर्नमेंट वालों की तरह ही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं मुझे। गवर्नमेंट वालों की तरह नहीं, गवर्नमेंट की नौकरी ही चाहिए। देश में कितने नए नए टीवी आते हैं और पता है उसमें से कितने टीवी बंद हो चुके हैं? तनख्वाह कम हो तो भी चलेगा, लेकिन वो सरकारी नौकरी ही होनी चाहिए, तभी मेरी बेटी शादी करके सुखी रह सकती है। अरे बेकार में तुम क्यों उसके पीछे घूम रहे हो? जाओ जाके गवर्नमेंट की नौकरी के साथ आओ, उसके बाद बात करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। शनिवार रविवार आप शहर में नहीं होते क्या? मैंने कितनी बार फोन करने की कोशिश की आपको, आप कहाँ गए थे? छिपकिल्ली को देखने के लिए। चुप कर, मजाक कर रहा है। आज मंडे है ना, तो फिर लेट क्यों है? सर वो मैं शादी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करने गया। शादी के मामले में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? आई जस्ट डोंट सी द कनेक्शन। हस्बैंड की नौकरी के लिए। बी सीरियस, हम काम के बारे में बात कर रहे हैं। बात करते हैं ना सर। एक बहुत खास आदमी है, आपको उसका इंटरव्यू लेना है। किसका सर? सीएम का। सीएम सर, चैनल में सारे पॉलिटिकल इंटरव्यूज जनार्दन करते हैं ना? जनार्दन इस्तीफा दे दिया है, दूसरे चैनल ज्वाइन कर लिया, गद्दार। पता है आपको? मुझे नहीं पता था। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, प्रमोशन के बाद किसी को इतनी आसानी से ऐसा मौका नहीं मिलता है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। यस ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड लक। थैंक यू सर। हाथ कांप रहा है। सीएम के साथ मेरा पहला इंटरव्यू है, शायद उसी वजह से जरा सा नर्वस हो रहा हूँ। नर्वस हो रहे हो? सीएम से डरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा समझो कि तुम अपने पड़ोसी से बात कर रहे हो, नेचुरल रहेगा। अपना आईडी दिखाइए, जाइए, चले जाइए। हाँ हाँ, जाइए जाइए, पास दिखाइए। नमस्कार। ओके, आज हमारे मुख्य मेहमान होने वाले हैं। श, 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 श। वेलकम सर। नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते सर। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए बैठिए। एक्सक्यूज मी सर, इंटरव्यू आप ही करने वाले हैं? जी हाँ सर। आपका नाम? पुरुषोत्तम। नमस्ते। आज हमारे स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए जो महान हस्ती आई है, उसे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी परिचय की जरूरत नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। राष्ट्र की प्रजा हर बार के चुनाव में आने वाला मुख्यमंत्री उन सबका भला करेगा इस भरोसे से इलेक्शन में वोट देती है, पर आखिर में उन सबको मिलता है तो बस धोखा और निराशा, और ये आपकी सरकार ने भी किया है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? घर घर में कलर टीवी है, हर गांव में डिश एंटीना है, गली गली में एसटीडी बूथ लगाए गए हैं, इंटरनेट है, सभी टू व्हीलर्स में सफर कर रहे हैं, जेवर की दुकानों में, कपड़ों की दुकानों में क्यू में खड़े होकर खरीदारी कर रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी चप्पल पहन रहे हैं, घड़ियां पहन रहे हैं। प्रजा का जीवन स्तर कितना बढ़ गया है। 15 साल में भूख या गरीबी से कोई आदमी मर गया हो, इस तरह की खबर कोई आई है? बताइए सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसे जेवर की दुकान में कोई किसान तो खड़ा नहीं है ना, ना ही कोई कूली कहीं फास्ट फूड खाते हुए नजर आता है। ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, ऐसे लोग जो रिश्वत लेते हैं, वही आपके दिए सुख का अनुभव कर रहे हैं। एक तरफ अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। बसों में, ट्रेनों में बस धक्के खाए जा रहा है, घास लेट के लिए, चावल के लिए घंटों तक लाइनों में खड़ा रहता है, खुद भूखा रहकर बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहा है। और सर बच्चे तो अब भी रोड पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं सर। शिकायत करने वाले शिकायत करते रहते हैं। देखिए मेरे इस पद में आने के बाद से पहले के मुकाबले साक्षरता 46% तक बढ़ गई है। केरला में तो 100% है सर।
नौकरी की संख्या 19 लाख तक थी और अब 33 लाख तक बढ़ गई है। ब्रॉन्ज मेडल मिलने वालों से गोल्ड मेडल मिलने वालों की इज्जत ज्यादा होती है ना सर? कैसी बात कर रहे हैं, देखिए गरीबी रेखा पहले 35% हुआ करती थी और अब 28% तक आ गई है। लेकिन आज भी हमारे देश के गांव में हर एक व्यक्ति की दिन की औसत आमदनी बस 40-50 रुपए ही है सर। देखिए आंकड़ों की सही जानकारी होने के बाद बात कीजिए। ओके एक मिनट सर। सर ये फाइल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये IMF का रिपोर्ट, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो पैसा आता है वो प्रजा तक नहीं पहुंच रहा, आपके मंत्री पैसा खा जाते हैं और बाद में किश्तों को रोक देते हैं। शायद आपको पता नहीं है मिस्टर, वर्ल्ड बैंक ने हमारे राष्ट्रों को उनके पास गिरवी रखवाने के लिए 1000 कंडीशंस रखे थे। वो कंडीशंस क्या थी आप जरा विस्तार में बताएंगे? आपको बताने की जरूरत नहीं है, जनता को बताऊंगा मैं। जनता देख रही है सर, बोलिए ना हमें वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला पैसा क्यों रुक गया है? देखो मिस्टर वो 1000 पन्नों की रिपोर्ट है, एनेक्सर ABCDSA 10 शब्द हैं, 15 रुपए सचिवालय में देकर आराम से पढ़ के समझो और जनता को भी बताओ। अगला सवाल। सर आप राजनीति में आने से पहले किसी बहुत अमीर घराने से थे क्या? नहीं मेरे भाई, मैं बहुत ही साधारण गरीब परिवार से हूँ। आपकी आमदनी कितनी है सर? हाँ मतलब महीने की तनख्वाह कितनी है आपकी? सब कुछ काटने के बाद 1,45,000 मिलते हैं। मतलब साल के करीब 17 लाख बनते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इतने सालों की आपकी पूरी आमदनी मिलाकर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं बनता, लेकिन आज आपके पास 800 करोड़ रुपए की जायदाद है, वो कैसे आई सर? फंस गए सीएम साहब। ये आरोप निराधार है, चाहो तो मुझ पर तुम केस डाल दो, कोर्ट में मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए तैयार हूँ। केस डालो? सर देखा जाए तो भारत भर के सारे कोर्ट्स मिला के आज भी 2 करोड़ केसेस पेंडिंग है। गुनहगार बिना डर के फिर से गुनाह करने की हिम्मत दिखाता है इस देरी की वजह से, और ये मैं नहीं कह रहा, ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट कह रही है। ये याद है आपको? लगता है कहीं देखा है। आपके चुनाव का घोषणा पत्र है, आप कुछ याद है? कैसे भूल सकता हूँ, इसे मैंने खुद लिखा है, इसका एक एक शब्द मेरे मन में बसा हुआ है। जातिवाद को हटा देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करेंगे, महिलाओं की हर तरह से रक्षा करेंगे, मूल वस्तुओं के दाम कम करवाएंगे, सबको मुफ्त शिक्षा दिलवाएंगे, शिक्षा में श के ऊपर ही की मात्रा लग गई थी, किताब पूरी बता सकता हूं। क्या आपको लगता है ये वादे पूरे हो गए? तो पूरे नहीं हुए क्या? आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करेंगे, पर लॉ एंड ऑर्डर किसी को बचा नहीं पाता, उसकी वजह तो आप ही है। आपने कहा था आप जातिवाद हटा देंगे, पर अलग अलग जातियों के बीच जो दंगे हुए थे वो आप ही ने भड़काए। मिस्टर मुझे गुस्सा दिलाने के उद्देश्य से ये पूछ रहे हो ना? मेरा उद्देश्य ये नहीं है सर, बस जनता को सच दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, रास्ते से कोई भी बस हटनी नहीं चाहिए। चढ़ाओ ना, क्या हो गया? अगर मुझ पे गाड़ी चढ़ाओगे तो मेरे लोग चुप नहीं बैठेंगे, समझ लेना, पूरे राज्य में दंगा हो जाएगा। एक बस ड्राइवर ने बीच रास्ते में गाड़ी रोककर ट्रैफिक जाम किया, पूछने पर कहा कि वो रूलिंग पार्टी से, ट्रैफिक पुलिस भी कुछ एक्शन नहीं ले पाई। दूसरा ड्राइवर टायर के नीचे सो गया और जाति का वास्ता देकर डराने लगा, पुलिस कमिश्नर तक अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाए। उन्होंने आपसे पूछा तो कहीं जाति के लोगों का सपोर्ट ना चला जाए इस डर से आप बिना कोई एक्शन लिए शांत रहे। राष्ट्र में आग लग गई, उसके बारे में आपको जरा भी परवाह नहीं है। आपके शहर के लोगों को तकलीफ हुई, क्या उसकी भी परवाह नहीं है? 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, क्या वो आपके लिए जरूरी नहीं? आपका तो बस एक ही लक्ष्य है, अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी है, सही कहा ना? ऐसे इंटरव्यू करके आप अपने आप को योग्य साबित करना चाहते हैं, पर बिना सबूत के बात मत कीजिए। है ना सर, सबूत भी है। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का आदमी है, दूसरा ड्राइवर मुझे जिताने वाली जाति का है, विद्यार्थियों के सपोर्ट की मुझे जरूरत है। उनमें से तुमने किसी पे भी हाथ उठाया तब मुझे तकलीफ होगी। ए कमिश्नर, नो अरेस्ट नो टियर गैस, कुछ समय तक चिल्ला के वो खुद चुप हो जाएंगे। ए, शूटिंग ऑर्डर देना होता तो मैं कब का दे चुका होता, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम आएंगी पता है? एक दो कांच टूटेंगे, कोई फिक्र नहीं। तो बताइए सर, आपके लिए जनता की भलाई से ज्यादा आपकी कुर्सी जरूरी है। बोलिए सर। अरे आउट, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ चौधरी जी की हवा निकल गई। क्या क्या सवाल पूछा भाई, सही सवाल है। मार डाल, कैमरा ऑफ करने को कहो।
चलपति इधर आओ। हैं? ए, क्या पूछ रहा है तू? ए, कैमरा बंद कर। ए, बोला ना बंद कर। अरे बंद कर ना। ए, बंद कर नहीं तो चप्पल से मारूंगा। रोक दे प्रोग्राम। अरे रोक ना। ए, सुनाई नहीं देता। बंद कर नहीं तो तुझे चप्पल से मारूंगा। हाँ मैडम। कैमरा कंट्रोल रूम में घुमाओ। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे जल्दी से कैमरा बंद कर। रोक इंटरव्यू। चल चल बंद कर। बेवकूफ, क्या है? अगर ये विधानसभा होता ना तो तुझे पार्टी से निकाल देते। लाइव टेलीकास्ट है, पूरी जनता देख रही है तेरी हरकत। पहले नीचे रखना। मैं भी दिख रहा हूँ। तेरे हाथ में जो चप्पल है उसे नीचे रख, समझा? गोबर लगा हुआ है इसके ऊपर। एमपी की सीट चाहिए भाई। थोड़ा आराम से आएंगे। नेताजी इंटरव्यू हो गया, आ जाइए। हो गया ना, मैं चलता हूँ। नमस्ते सर, इंटरव्यू अब तक पूरा नहीं हुआ। ये शो लाइव चल रहा है, जनता आपको देख रही है। मैंने जो सवाल पूछा उसका आपने ठीक से जवाब नहीं दिया, सो प्लीज बैठ जाइए। बहुत अच्छी डबिंग करके लाए हो। मेरी आवाज में किसी और से डब करवाकर जनता को गलत खबर देना चाहते हो तुम। इसका जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। उस दंगे को शूट करने वाला मैं ही हूं सर। ओह, अपोजिशन पार्टी वालों से तुमने कितना लिया है? अगर आप ऑपोजिशन में होते तो आप कितना देते? क्या कहा? हाथ में माइक, सैटेलाइट टीवी है, इसलिए एक कोट पहन लिए और जो चाहे वो सवाल पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा क्या? जवाब देना तो आपकी जिम्मेदारी है सर, इसीलिए तो 6 करोड़ लोगों ने आपको चुना है। सीएम का पद क्या होता है तुम्हें पता है? जिंदगी में एक दिन भी क्या तुमने सीएम के ऑफिस में कभी कदम रखे हैं? आकर देखो, एक दिन में कितने लोग आकर मुझसे मिलते हैं, कितने संदेश होते हैं, कितने आंसू होते हैं, कितने आभार होते हैं, कितने हार होते हैं, कितने दंगे होते हैं, कितने तकलीफें हैं, कितनी मुसीबत है, कितनी टेंशन है, बैठने वालों को ही पता चलता है ये। वहां पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाता है। एक दंगा होने पर उसकी वजह क्या है ये जानकर कल किसी को भी तकलीफ ना हो, ये ध्यान में रखकर निर्णय लेना पड़ता है, और वही किया मैंने। जो समस्या आराम से हल हो सकती थी उसे अपने स्वार्थ के लिए आपने बिगाड़ दिया, और अब बेफिजूल बहाने बना रहे हैं। आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, कह रहा हूं। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम डाल के देखो तब पता चलेगा तुम्हें। एक दिन सीएम बनकर देखो, तब समझोगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपकी सीट पर कैसे बैठ सकता हूं? ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, संविधान में इसके लिए प्रावधान है। एक ऑर्डिनेंस डालना होगा, एक दिन बन के देखो। मैं? आप जोक कर रहे हैं? मैं सीरियसली कह रहा हूँ, एक दिन तुम मेरी कुर्सी पर बैठ कर देखो। मेरी कुर्सी में कितने कांटे हैं, मेरे मुकुट में कितने कांटे हैं, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। और मुख्यमंत्री के पद पर बैठना कितना मुश्किल है, तुम अपनी जनता को बता सकते हो। ये क्या है, सीएम की सीट के साथ वनडे चल रहा है क्या? अपने सीएम साहब जब से बिहार होकर आए हैं ना, उन्हें समझना मुश्किल हो गया। नहीं सर, ये मेरा काम नहीं है। ये लो, सुनते ही पीछे हट गए। एक नेता से कभी उल्टे सवाल मत करना। अगर आग नहीं होगी तो ठंड लग सकती है, पर उसी आग से एक दिन तुम जल भी सकते हो, सुना होगा। और आज जब इतने खुलकर मैं तुम्हें जिम्मेदारी देने की बात कर रहा हूं, तो तुम कदम पीछे हटा रहे हो। क्या हुआ, सीएम बनकर देखोगे एक दिन? ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मिस्टर, जनता देख रही है, अब जल्दी से जवाब दो। तो फिर इंटरव्यू रोक दिया जाए? ठीक है सर, अगर ये मुमकिन है तो मैं तैयार हूं। एक दिन के लिए आपकी कुर्सी पर बैठूंगा। पार्टी मीटिंग के बिना जल्दबाजी में फैसला लेकर फंस गई है। चलो अच्छा ही है, अपनी सर्विस में कम से कम एक दिन तो पढ़े लिखे सीएम के साथ रहूंगा। ठीक है मिस्टर, जय हिंद। Audio VCD with 3 CD capability and 1000 watts output. Thank you very much, sir. हटो हटो, रास्ता दो, हटो।
कमाल कर दिया भाई, मजा आ गया। ए पुरुषोत्तम, कमाल कर दिया यार, तुम मामूली आदमी नहीं है। Congrats! वो कागजात अभी तक आए नहीं है। इन्होंने उसको एक दिन का सीएम बनाऊंगा ऐसा कह के आ गए। ये कानून के अनुसार मुमकिन है कि नहीं ये बताओ पहले। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। सभा जब सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस देके किया जा सकता है। पर बताओ, पर क्या? कुछ दिनों पहले की बात है कि बिहार में एक आदमी को सीएम बनाया गया था। दिल्ली में एक लीडर की मौत होने पे उसके बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। आमतौर पर किसी नेता की मौत होती तो ऐसा किया जाता है। एक सीएम का बाईपास हुआ था तब भी ऐसा किया गया था। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में भी ऐसा किया गया था। एक दिन मुख्यमंत्री के पद पर किसी और को बिठाने का इनके पास वो अधिकार है या नहीं? In accordance with the discretionary power of the chief minister, the fundamental rights are enshrined in the constitution and... इंग्लिश में बात मत करो, मुमकिन है या नहीं ये बताओ। मुमकिन है जी, आपके डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके गैजेट्स को नोटिफिकेशन देके किया जा सकता है। ये क्या नेताजी, मुमकिन है इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना देंगे? जहर भी पानी की तरह पीते हैं तो क्या आप भी पी लेंगे? ये आप क्या कर रहे हैं नेताजी? आपको पता नहीं है ये राजनीति है। उस दिन इतने सारे लोग टीवी देख रहे थे, आपके लिए जाति जरूरी है इसलिए दंगे होने पर किसी पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा इल्जाम लगाया। क्या कहता मैं? हाँ ये सच है, ये कहता चप्पल से मारते मुझे। कल वोट मांगने जनता के सामने नहीं जा पाता इसलिए मैंने ये कह दिया। अगर उसने एक दिन में कुछ कर दिखाया तो? वो कुछ नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री का काम क्या है ये जानने में ही एक दिन निकल जाएगा। उसके बाद वो पगला के भाग जाएगा। एक तीर से दो निशाने, उन पर झूठे इल्जाम लगे इसीलिए कुर्सी को ही लात मार दी चौधरी जी ने, इस बात पर मेरी इमेज बढ़ जाएगी। आरोप लगाना आसान है, कर दिखाना मुश्किल है, ये बात जनता को पता चल जाएगी। आप जो कह रहे हैं वो बात सही होनी चाहिए और होगी भी। ये मेरा इस्तीफा है और ये श्री पुरुषोत्तम जी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए 190 एमएलए ने जो वोट दिए हैं उसकी लिस्ट। मैं पुरुषोत्तम नारायण भारत राज्य के अनुसार मुख्यमंत्री की पदवी को स्वीकार करता हूं और इस राज्य के मंत्री के तौर पर भगवान को साक्षी मानकर जनता को न्याय दिलाने की शपथ लेता हूं। जनता को मेरा नमस्कार। आज एक दिन का मुख्यमंत्री शपथ समारोह है। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह के किसी कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हम दिखाने वाले हैं। देश के हर टीवी चैनल का रिपोर्टर यहाँ मंत्रालय पहुँच चुका है। सर, सर आ गए, लेट्स गो। सर 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 आप इस दिन में क्या करने वाले हैं? सर आइए सर, सर, सर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कल तक आप एक साधारण टीवी रिपोर्टर थे और आज अचानक से आप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस सीट पर बैठकर आपको कैसा फील हो रहा है सर? माफ कीजिए, मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठा, कुछ अच्छे काम करने के लिए बैठा हूँ। सो प्लीज कोऑपरेट विद मी, ओके? आपके प्यार के लिए शुक्रिया, ओके? प्लीज मिस्टर कृष्णा सर, इसी वक्त आईएएस आईपीएस सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को यहाँ बुला लीजिए, मीटिंग करनी है, ओके? मेक इट क्विक। सबको नमस्कार सर, यह है अनंत राव आईएएस डिपार्टमेंट ऑफ। आई एम सॉरी, इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है। योर अटेंशन प्लीज, कमिंग टू द पॉइंट। देश का विकास ना होने का कारण तीन टाइप के लोग हैं। एक, जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। दूसरा, जो काम करते हैं उनके बीच आने वाले। और तीन, अपने पद का गलत फायदा उठाने वाले। गलतियां करने वाले खुलेआम गलती कर रहे हैं, धमकी देकर, सिफारिश करके, रिश्वत देकर, या फिर जो रिश्वत ली है उसमें से एक हिस्सा कानून को देकर बच रहे हैं। यहाँ एक साधारण प्यून से लेकर, आई एम सॉरी बट आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मंत्री तक घूस ले रहे हैं। इन्हें कोई सजा नहीं दे रहा, इन्हें किसी का डर भी नहीं है, करप्ट टू द कोर। ऐसे लोगों पर केस होने पर भी कोई एक्शन लिया नहीं जाता, बस कोने में पड़ी होती हैं इनकी फाइल्स। वही फाइल्स अगले एक घंटे के अंदर मेरे सामने होनी चाहिए।
फोन कीजिए, फैक्स कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में ले आइए, आई डोंट माइंड। वन आवर, जस्ट वन आवर। एक घंटे में ऐसे हर इंसान की लिस्ट चाहिए मुझे। अगर नहीं आई तो मुझे आप सबका नाम उसी लिस्ट में डालना होगा। एक्सक्यूज मी सर, ये लिस्ट लेकर हम क्या करेंगे सर? हम उन सबको सस्पेंड करेंगे। ओके, मीटिंग खत्म हो गई, आप सब जा सकते हैं। मर गया, पहले ही बॉल पे सिक्सर। ये क्या सर, आप भी झोपड़पट्टी में आए हैं? बाकियों की तरह आप भी चावल, साड़ी, दंत मंजन यही सब बांटने वाले हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में झोपड़पट्टी होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने वाले हमारे देश के नेता भी कभी कभी झोपड़पट्टी में जाते हैं। भैया यहाँ ना, क्या हुआ? तुम्हें सरकार ने जगह दी थी, वहाँ पर घर बना कर दिए थे, फिर भी तुम सब यहाँ रह रहे हो। बात यह है ना सर, पूरे 350 झोपड़ियाँ, उसमें से सिर्फ 2 को ही घर मिले हैं, और बचे हुए लोग कहाँ जाएंगे? स्लम क्लियरेंस बोर्ड डायरेक्टर कौन है? यही तो खड़े, आगे आइए। यहाँ पे इन सबको कितने घर अलॉट किए थे? वो सर बात ये है कि, हेलो, सीधा सीधा जवाब दो ना। 212 सर। ये तो कह रहा है 2 ही घर अलॉट किए थे, बचे हुए घर कहाँ गए? उड़ गए सर, हमने जो जगह इन्हें अलॉट किया था उसमें से आधे नेताओं ने ले लिए, उसमें से बचे हुए जगह पे हमने फ्लैट्स बना दिए, उसमें से 300 पार्टी वालों के पास और बाकी के सरकारी अधिकारियों के पास। अब इनके पास ही 20 फ्लैट्स हैं, बाकी बचे हुए इनको दिए गए, ये उसे किराए पे उठाकर यहाँ रहते हैं। ये दुकुट्टा है ना सर, इसे भी घर दिया गया था सर, पर 1000 रुपए में इसने एक सेठ को किराए पर दे दिया। ये सब जानते हुए आप एक्शन लिए बिना चुप क्यों रहे? मिनिस्टर लेवल से प्रेशर था सर। सर यही तो है वोट बैंक, पढ़े लिखे लोग कहाँ वोट देते हैं सर, बेफजूल की वजह देकर घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। इन्हें अगर हटा दिया तो वोट कौन देगा सर, इसीलिए इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। टाइपराइटर मंगाया था, आ गया? जी आ गया। ओ टाइपराइटर। जी सर। नाम क्या है आपका? मटियाला राव सर। इनका सस्पेंशन ऑर्डर रेडी कर दो। सर ऐसा मत कीजिए सर, सर सर प्लीज सर, सर सर माफ कर दीजिए सर, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। सर ए सुनो यहाँ सर, तुम्हारा घर कौन से एरिया में सैंक्शन हुआ था? नेताजी कॉलोनी सर। तुम मेरे साथ आओ मिस्टर कमिश्नर। सर इस स्लम में जितने लोगों को घर सैंक्शन हुआ है उन्हें झोपड़पट्टी खाली करवा के नेताजी कॉलोनी लेकर आइए। यस सर। सर यू आर सस्पेंडेड। सर सर प्लीज सर प्लीज। अच्छा बताओ कौन सा घर है? नीचे वाला पहला घर सर। कौन है? सीएम। वनडे सीएम है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए प्लीज। ए अंदर के बंदर, यह घर किसका है? मेरा घर है। नाम क्या है आपका? सुलेमान नाम है। अगर आप सुलेमान हैं तो मैं बिल क्लिंटन हूँ, जल्दी से घर खाली करके इसके हवाले कर दीजिए। पैसे पैसे दिए साहब, मैं घर खाली क्यों करूं? मेरी बात सुनिए, ये घर इससे सैंक्शन हुआ है, इसका मतलब आपका यहाँ रहना गैर कानूनी है। अगर ये घर खाली नहीं किया तो आप पर एक्शन लेना पड़ेगा, जेल जाना होगा। अच्छा साहब, सुनो जी सारा सामान निकालो, सुल्तान बाजार जाएंगे। जाना सुल्तान बाजार, किसने रोका है? इस तरह सारे फ्लैट्स चेक करने को कहो। उन सबको साथ में ले आया हूँ सर। ओके, यू डू वन थिंग, यहाँ पर जो भी इलीगली रह रहे हैं उन सबके घर खाली करवाओ, और इन सबको जो फ्लैट अलॉट हुए हैं उसमें रहने को कहो। अब से ये लोग यहीं रहेंगे। हमारे जाने के बाद अगर फिर से इसे भाड़े पे चढ़ा के झोपड़पट्टी में गया ना तो याद रखना। हमें झोपड़पट्टी में रहने की इच्छा थोड़े ना है, हमारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए घर के भाड़े से ही अपना खर्चा चलाते हैं साहब। हम मेहनत मजदूरी करके जीना चाहते हैं साहब, कोई तो रास्ता निकालिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब। राज्य की जनता से मेरी एक दरख्वास्त है, मैं एक दिन के लिए सीएम की जिम्मेदारी निभाने वाला हूँ, ये बात आप सबको पता है। अगर मैं कुछ अच्छा भी करना चाहूँ तो उसमें आप सभी के सहयोग की बहुत जरूरत है। आपको बस करना यही है कि आज के एक दिन आप जो भी चीज खरीदेंगे, फिर वो माचिस हो या कार, सोना हो या हीरा, हेयर पिन हो या एरोप्लेन हो, कुछ भी खरीदेंगे
तो उस पर टैक्स जरूर भरिए। दुकानदार बिल देने से मना करे तो आप वो चीज मत खरीदिए। ये टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचना जरूरी है। बिल के बिना खरीदने पर जितना नुकसान गवर्नमेंट का होगा उतना ही नुकसान आपका होगा। आप सोचते हैं कोई चीज 2 रुपए कम में मिलेगी इसीलिए आप उसे बिना बिल के खरीदते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का ये जो पैसा है ये दूसरों के पास ब्लैक मनी के रूप में जमा हो जाता है। इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सभी ये टैक्स भरिए। अगर कोई बिल देने से मना करे तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट। चलो भाई 350 दो। नहीं नहीं बिल दो, क्या मुसीबत है। व्यापारियों को भी एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी बिल दिए बिना व्यापार करेंगे उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, इसीलिए ईमानदारी से काम कीजिए। एक और बात, अगर आप अपना पेंडिंग सेल्स टैक्स भर देंगे तो मैं वादा करता हूँ आप पर सेल्स टैक्स कमीशन की जो भी केसेस पेंडिंग है वो मैं कैंसिल करवाऊंगा। एक बार फिर कह रहा हूँ, हमें कानूनी तौर पर एक दिन का सेल्स टैक्स कितना भरना होगा? 40 लाख। हम कितना भर रहे हैं? सिर्फ 4 लाख। इसीलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ, आज ही जाके पूरा का पूरा भर दो, नहीं तो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर। इट्स अ प्रॉमिस। ये तो लगता है अपना पत्ता गुल कर देगा, इसके मन में क्या है? अरे इसे कुछ भी पता नहीं, सेल्स टैक्स भरवा देने से देश का भला होगा क्या? हवा में महल बना रहा है। ये लीजिए। ए रिवेन्यू नेताजी, एक दिन में सेल्स टैक्स से कितनी आमदनी है? पार्टी की या हमारी? अरे देश की। पता नहीं जी। पता नहीं मंत्री कैसे। चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आराम से। अरे खड़े रहो। अरे अरे चलो चलो चलो। ये देखिए सर। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओए क्या ये मैग्नेट है? सर सर इसने बचपन में चुंबक की शक्ति को कितने अच्छे से याद किया हुआ और इस्तेमाल कर रहा है। कितना वजन होगा? यही कोई 200 ग्राम सर। क्यों बे, 2 किलो शक्कर में तू 200 ग्राम चुरा रहा है, इसका मतलब दिन के कितनी चोरी करता है तू? इतनी बेईमानी, दूंगा एक रख के। अरे ये क्या है? वर्ल्ड कप है क्या? कहीं से भी डालो 2.5 लीटर से ज्यादा नहीं गिरेंगे इसमें। केरोसिन के माप में वर्ल्ड कप लेने का इरादा है क्या तेरा? है पकड़ इसे। सर अगर हिसाब करें तो रोज का 5-6 हजार कमीशन खा रही है, यानी कि सीएम की आमदनी से भी ज्यादा कमा रहा है ये। किसका पैसा है ये? इन लोगों का पैसा है, देखने घर घर में जाकर पेपर उठाकर प्लास्टिक उठाकर घर का काम करके हमाली करके दूध के पैकेट बेचकर रोज मेहनत करके कमाने वाले गरीबों का पैसा है। सर क्या करना चाहिए इसका? चप्पल निकाल के मारो सर। सर जनता भड़की हुई है, अगर इनके हवाले कर दिया तो हड्डी पसली भी नहीं बचेगी। नहीं बस बहुत हुआ, इसे काम से निकाल देता हूँ। नाम क्या तेरा? सर 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 सर। सर ने पूछा नाम क्या तेरा, बोल। पालन सर। तेरा नाम क्या है? धर्म। धर्म सर। नाम धर्म और काम सारे अधर्म के। गेट आउट। हाँ बोलिए। मुख्यमंत्री जी बोल रहा हूँ। मेरा नाम धनलक्ष्मी है साहब, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मेरे बेटे को फीट का बुखार आया, इसने यहाँ पर लेकर आई। 10 बजे जिस डॉक्टर को आना चाहिए था वो अब तक नहीं आया, इसका पूरा बदन जल रहा है। अच्छा वहाँ हॉस्पिटल में काम करने वाला कोई स्टाफ होगा, जरा उन्हें फोन देना। हेलो मैं वार्ड बॉय विनायक राव बोल रहा हूँ। विनायक राव डॉक्टर कब आएंगे? थोड़ा लेट आएंगे। हमेशा ही लेट आते हैं क्या? वो क्या है ना सर जी, उनका एक क्लिनिक है, वहाँ का काम खत्म होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। नाम क्या डॉक्टर साहब? श्याम सुंदर। हाँ विनायक राव, तुम्हारे हॉस्पिटल में एक फैक्स आएगा, उसे लेके डॉक्टर जी को देकर आना। उन्हें कहना सस्पेंड हो गए, अब हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, क्लिनिक में ही बैठे रहो। सीएम ने कहा कह देना। सर किसी और डॉक्टर से कहकर उस पेशेंट को एडमिट करवा लो। ओके सर। हेलो सर, बंधन से गिरिजा बोल रही हूँ। मेरे पति ने पैसा बचा बचा कर बड़ी तकलीफ से अपने लिए एक मोपेड खरीदा था सर, और उसे चोर ले गए सर। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया तो हफ्ता भर हो गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। और तो और सर, जब भी हम जाते हैं तो बुरा व्यवहार करते हैं। किसके नाम से रिपोर्ट लिखाई है? वेंकटप्पा सर, मेरे पति हैं। सर जी नमस्कार, मेरा नाम वेंकटप्पा। हाँ। सोमवार को मेरी गाड़ी उठा के ले गए थे, आपके स्टेशन में कंप्लेंट भी किया था। हाँ किया था, तो फिर? सर जी वो गाड़ी मिल गया क्या? जिसकी कार चोरी हुई वो अभी तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, और तेरी TVS 50 के लिए मैं इतनी जल्दी से एक्शन ले लूँ? आपका नाम क्या है? नाम राम मूर्ति। क्या करेगा तू, बड़ा आदमी है क्या?
डीएसपी से कंप्लेन करेगा? तेरी टीवीएस नहीं मिलेगी, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे चोर बाजार में बेच दिया है। मिस्टर राममूर्ति, आप फोन कट करके फैक्स ऑन कीजिए। क्यों? कुछ नहीं, आपका सस्पेंशन ऑर्डर भेजा है, ठीक से चेक कर लीजिए वरना फिर से भिजवाता हूँ। हेलो, कौन है सर? सीएम सर। सर, पुतली गांव से आपके लिए अर्जेंट फोन आया सर। किस बारे में? कोई आपको मुआ देना चाहता है सर। उत्तरी मुआ सर। हेलो। ए छिपकली, क्या कर रही है? देखती नहीं है कि मैं बिजी हूँ? एक आन खजूरे, कमाल कर रहे हो, मजा आ गया। टीवी पर मुझे देख रही हो? हाँ, तुम्हारा शर्ट अच्छा नहीं है, नीले रंग का शर्ट पहनती ना तो बहुत अच्छे दिखते। नीले रंग की शर्ट? ठीक है फोन रखो। I love you, CM. Thanks. Hey, सर के लिए नीले रंग की शर्ट लाई जाए। हेलो हेलो, सीएम सर बात कर रहे हैं। हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। मैं यहाँ सेंट मैरीज कॉलेज के पास से बात कर रही हूँ सर। यहाँ पर बहुत ईव टीजिंग हो रही है सर। यहाँ स्लम में रहने वाले कुछ आवारा लड़के हैं जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं सर, ये रोज का काम हो गया। वहाँ नजदीक कोई पुलिस स्टेशन नहीं है? पुलिस? कितनी बार वहाँ रिपोर्ट किया है सर, वो एक्शन लेने से भी डरते हैं सर। मैं अभी आ रहा हूँ, उस एरिया के इंस्पेक्टर को जल्दी से स्पॉट पर बुलाइए। ओके सर। ड्राइवर, अर्जेंटली इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। जल्दी लेके जाओ। आप में से मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था सर। उस लड़की को क्या हुआ? उन गुंडों की छेड़खानी करने की वजह से उसे चोट लगी, इसलिए हॉस्पिटल ले गए। मिस्टर कृष्णा, आप फॉलोअप कीजिए। ओके सर। इन्होंने ईव टीजिंग की कंप्लेंट की है ना, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, छोटी सी बात के लिए क्या एक्शन लेना? नहीं, 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 तुम बोलो। बगल में जो स्लम एरिया है वहाँ 10-15 गुंडे हैं सर, वो लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। उन सबका लीडर है रंगा, जो बहुत बड़ा गुंडा है, उसने नेताओं की भी हत्या की है। रूलिंग पार्टी का सपोर्ट है उसके साथ, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है सर। इसी वजह से बेखौफ होकर वो हम पर जुल्म करता है सर। हम जब भी उसके सामने से गुजरते गलत जगह पे मारता है सर। ए, सुनते हुए शर्म नहीं आ रही? गुंडों को पकड़ने की तनख्वाह मिलती है ना, कुछ करते क्यों नहीं? सर, उस एरिया में पुलिस नहीं जा सकती है सर, उस एरिया के कांस्टेबल को, इंस्पेक्टर को, सबको मार दिया गया। तुम्हारे पास वर्दी नहीं है क्या? गन नहीं है? सर, कमिश्नर ने मुझे ये अधिकार नहीं दिया है। सर, मंत्री जी ने अधिकार मुझे नहीं दिया था सर। एवरीबॉडी, मिस्टर कृष्णा, सबकी, इन सबकी, इन सबके नामों की एक लिस्ट चाहिए, एक को भी मत छोड़ना। रंगा कहाँ रहता है? आगे जाकर लेफ्ट में मुड़ जाइए सर। ये रंगा, जरा टीवी में देखना, ये इलाका कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। hey. ये अपना ही इलाका है। अपना ही इलाका है क्या? हाँ। तो ठीक है, ये एक दिन का जो सीएम बना वैसा ही दिख रहा है ना। तू खेल में ध्यान दे भाई। लगता है अपने ही इलाके किसी घर में घुस रहा है। तेरे घर में घुस रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू लेने आया है क्या? तेरी सेवा करने आया। अरे you
ए, घुटने पे बैठ। अब बोल। चल बोल। ऐसे जाके वैन में बैठ जा। मिस्टर कृष्णा सर, सेल्स टैक्स कलेक्शन कितना हुआ? सुपर कलेक्शन हुआ है सर। अच्छा? हमारे राज्य में अब तक हर ट्रेजर को मिला है लगभग 260 करोड़ रुपए सर। फैंटास्टिक। आप देखेंगे सर? डू वन थिंग, ये सारे पैसे हमारे स्टेट में जितने स्लम्स हैं उनमें रहने वाले लोगों के मेरिट के हिसाब से उन्हें नौकरी मिल जाए इस प्रोग्राम में लगाइए। अच्छा आइडिया सर। थैंक यू। अच्छा, मैंने जो लिस्ट मंगवाई थी उसका क्या हुआ? बैठिए। रेडी है सर, जिला के अनुसार सीनियरिटी के हिसाब से बना दिया है सर। ये उनकी लिस्ट है जो ड्यूटी ठीक से नहीं करते, और ये लोग आधी अधूरी ड्यूटी करते हैं, और ये लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं सर। पूरे 46,518 लोग हैं सर। सबको अभी के अभी सस्पेंड कर दीजिए। सर दस्तखत करने में रात को 12 बज जाएंगे सर, टाइम बहुत कम है सर। ओमनीबस ऑर्डर डिक्लेयर कर दो, इंटरनेट पर डाल दो, एग्जाम के रिजल्ट की तरह नोटिस बोर्ड पर डालो, ये सब लोग सस्पेंड होने चाहिए। सस्पेंशन ऑर्डर इशू करने के लिए कलेक्टर्स को राइट्स मैं देता हूँ। सर लिस्ट में कुछ लोग कलेक्टर भी हैं। तो उनके नाम पे आप साइन कीजिए। ओके। आपका नाम हो तो मैं साइन कर दूंगा। अरे बाप रे सर, मेरा हाथ बहुत क्लीन है सर, बस मेरी जुबान ज्यादा चलती है। पेन क्या, मैं तो पेंसिल तक इस्तेमाल नहीं करता ऑफिस का। ये देखिए सेल का बिल भी खुद भरता हूँ। कृष्णा जी, ये गलतियां करने की हिम्मत आती कहां से इनमें? इनको हिम्मत मंत्री लोग देते हैं सर, उनका भी कमीशन पहुंचता है। इनमें से कौन कौन मंत्री से मिले हुए? राजस्व, स्वास्थ्य, एजुकेशन, सबको मिला के कुल 12 लोग हैं सर। तो इनका क्या करना चाहिए सर? मेरे हिसाब से तो अरेस्ट करना चाहिए। तो कर दीजिए। ये यहाँ पर क्यों आया है? आपके 12 मंत्रियों ने रिश्वत ली है, हमारे पास उसका सबूत है। माफ कीजिए पर उन्हें अरेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हे, किसी पर भी हाथ रखेगा तो काट के रख दूंगा। सुनिए, उन्हें अंदर बुला लीजिए। यस सर। कंपनी कम इन। तू अपने आप को मरवाना चाहता है क्या? वो उतना आसान नहीं है, प्रेस वाले देख रहे हैं, इनसे कहिए कोऑपरेट करें। यू कैन प्रोसीड नाउ। यस सर। क्या है ये सब चौधरी जी? इस एक दिन में मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, इस कुर्सी पर बैठकर जो करना चाहिए वही किया है। यही अगर आपने 5 साल में किया होता तो हमारा राज्य कहां से कहां पहुंच जाता। तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद, तुम्हारा एक दिन पूरा हो चुका, तुम जा सकते हो। अभी 5 मिनट का वक्त बाकी है और मुझे अब भी एक आखिरी काम करना है। इन सब ने जो गलतियां की हैं उसकी जड़ आप हैं, इस सारे झमेले में आपका बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं। स्कूल के बच्चों की तरह बात मत करो, तुम्हें नियम कानून पता नहीं? एक सीएम को अरेस्ट करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए गवर्नर का दस्तखत, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हजारों फॉर्मेलिटीज होती हैं। पूरी बात जाने बिना बात मत करो, जाओ। माफ कीजिए, आज सीएम मैं हूं,
आप एक साधारण इंसान हैं। आपको अरेस्ट करने का पूरा अधिकार है मुझे। अरेस्ट हिम। ये तो मेरी लिस्ट में नहीं था। कमाल कर दिया। तुम्हारे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। अरे चुप रहो, जल्दी बाहर निकल आऊंगा। वकील साहब जाइए जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे आगे आगे। सीएम साहब अंदर हो गए, जाइए उनके लिए कुछ कीजिए। जाइए 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 जाइए। नेताजी, लॉयर्स आ गए हैं। लॉयर्स? तुम मुझे बाहर कब निकालोगे? सुबह होने पर सेंट्रल जेल में डाल देंगे। तुम जल्दी कुछ करते क्यों नहीं? सारा इंतजाम कर दिया है सर, आप एक बार इस पर साइन कर दीजिए। हम मजिस्ट्रेट के घर जाकर जमानत ले आएंगे सर। ले लो। तुम एक काम करो, उस नालायक ने एक दिन सीएम बन के जो ऑर्डर्स दिए हैं उसे रद्द करने के लिए स्टे ले लो। ठीक है सर, मैं ऑर्डिनेंस डाल के उसने जो कुछ भी किया है उसे नल एंड वॉइड कर दूंगा। हम चलते हैं। जाओ, जमानत के पेपर्स तैयार करो, जाओ। जी सर। ए मूर्ति कृष्णा, मर गए। कहां भाग रहा है? इधर आ। अब सर, आपको इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे, इसलिए उधर कोने में खड़ा था मैं। रोने की एक्टिंग मत कर, उसके बगल में रहकर तूने सब कुछ बताया। आपकी कसम, मेरा काम है इसलिए उसके बगल में रहता हूँ सर, सच कह रहा हूँ। अगर वो अनपढ़ होता तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता सर, लेकिन वो पढ़ा लिखा है सर, इसलिए एक दिन में सब कुछ समझ गया। मैं भी कुछ नहीं कर सकता सर। डबल गेम मत खेल, सुबह होने पर मैं ही सीएम हूँ, याद रख। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए सर, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप कहें तो उसे सबक सिखाने का इंतजाम करूं, जैसा आप कहें सर, प्लीज। उसे माफ करके छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा सर। ये क्या नेताजी, नाखून लगने पर आपने उसका हाथ तोड़ दिया था, और जिसने आपका दिल दुखाया आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? छोड़ दिया, माफ नहीं किया। कल का आया हुआ छोकरा है वो, मेरे 30 साल के राजनीतिक चरित्र को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया उसने। उसकी इस एक दिन की जीत के लिए उसका अभिषेक करना चाहिए, दूध से, शहद से, खून से।
सीएम ऐसा ही होना चाहिए, एक मारे तो 46,000 लोगों का सर घूम गया। हाँ। लगता है ड्रेनेज वाला है, काम पे बुलाओ तो कभी आता ही नहीं है। कल सीएम ने जो किया उसके बाद खुद ही आ गया। क्या चाहिए बोलो? सोडा। ये अगर किसी दिन प्रधानमंत्री बन गया तो इंडिया की पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। अरे ये तो एक दिन वाला चीफ मिनिस्टर है। अरे 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 मिनिस्टर जी, इनको बैठाओ बैठो सर। ये सब कैसे हुआ सर? कीचड़ में गिर गया। ए सोडा देना, कितनी देर कर रहा है? पानी नहीं है ना? पानी नहीं तो दुकान बंद कर दे। एक दिन में इन्होंने हमारे रास्ते साफ कर दिए, इन्हें साफ करने में इतना टाइम लगा रहा है। जल्दी करो, हम इन्हें दूध से साफ करेंगे। दूध दूध डालो 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 डालो। नजर उसकी नजर, देखने वालों की नजर मेरी नजर, तेरे पिताजी की नजर, सबकी नजर उतर जाए। मेरा बेटा। Congrats. You know, I am only शानदार शुभा, but you are लाजवाब पुरुषोत्तम। बेटा, वो चौधरी को अरेस्ट करवा के तुमने बहुत बढ़िया काम किया। चलो बगल हटाओ। बेटा पहले अपनी शर्ट दिखाओ। आगे? अरे दिखाओ ना। लेकिन क्यों? बेटा आपके दिए हुए ऑर्डर के कारण बीच में किसी भी एजेंट के बिना सीधे गवर्नमेंट ही हमारा उत्पादन खरीद रही है। बेटा अगर हिसाब करेंगे तो हमारे व्यवसाय के हिसाब से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है। बेटा फसल कटने पर सबसे पहला हिस्सा भगवान को चढ़ाते हैं, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो ना। नहीं, भगवान का दर्जा मत दीजिए। हमारी इच्छा को मना मत कीजिए, ले लीजिए। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए साहब। ठीक है। अरे इतने अनाज का मैं क्या करूंगा, आप भगवान को ही चढ़ा दीजिए। बेटा लीजिए ना। वैसे आप लोगों ने मुझे जो इज्जत दी उसके लिए मेरी चंद्रमुखी मुझे क्या देगी ये सोचकर आया हूं, और तुम मुंह फेर कर जा रही हो। हे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सबने मिलकर तुम्हें दान दिया, उन्होंने तुम्हें अपने भगवान की जगह बिठाया, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? सबसे ज्यादा कीमती चीज जान होती है, मैं जान नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ जीने की इच्छा है मेरी, जान से भी ज्यादा कीमती इज्जत है। हा? ले लो चंद्रमुखी। क्या है ये? इसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो दान दिया वो कीमती नहीं है, उनका प्यार कीमती है। तुम्हारा खुद को मुझे देना कीमती नहीं है, तुम्हारा मुझ पे जो भरोसा है ना, वो भरोसा कीमती है। मेरे लिए इतना ही काफी है।
चौधरी सरकार के भ्रष्टाचार पे एक दिन के मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम ने जो कार्यवाही की है उसकी वजह से अलायंस पार्टी के नेता तिरुपति स्वामी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसकी वजह से चौधरी जी की सरकार गिर चुकी है। अब राज्य में फिर से चुनाव किए जाएंगे। ये क्या चूहा हाथी को खींच रहा है? आने वाले चुनाव में आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? पिछली सरकार ने 300 करोड़ का घोटाला किया था तो इसे वोट दिया, और इस सरकार ने 500 करोड़ का घोटाला कर दिया। इलेक्शन के टाइम पे ये लोग वादा करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मतलबी हैं। फिर से इनकी तरह किसी और को लेके आके बैठेंगे, हमें तो निचोड़ के रखेंगे। कोई भी नहीं चाहिए, कोई नया आना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो वो एक दिन का मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम वही आना चाहिए। वाओ, पुरुषोत्तम ही सही व्यक्ति है। फाइटिंग में जैकी चैन, एक्टर में रजनीकांत, इसीलिए सीएम पुरुषोत्तम ही बनना चाहिए। पुरुषोत्तम को ही होना चाहिए। ए आर रहमान, मेगा स्टार पुरुषोत्तम, 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 उनको मैं जाकर देखता। नमस्ते सर। कांग्रेचुलेशन पुरुषोत्तम। क्यों सर? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्टेट में जिससे भी पूछो सभी तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। इंतजार मत करो, मैदान में उतर जाओ। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चिंता मत करो। ये बहुत अच्छा अवसर है तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी सर, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सुकून की जिंदगी चाहता हूँ, 8 घंटों की नींद, माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना, माँ पापा के साथ हंसी मजाक करना, वक्त बिताना, मनचाही नौकरी, संडे को फिल्म देखना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, और पोथुली गांव की मेरी छिपकली के पास जाना, बस इतना काफी है मेरे लिए। सर बस एक चीज की कमी है, गवर्नमेंट की नौकरी। इसीलिए तो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पढ़ रहा हूँ। क्या है ये, गवर्नमेंट तुम्हारे हाथ में आना चाहती है और तुम गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते हो? तुमने एक दिन में ही पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया, पता है तुम्हें? सर हम हमेशा खाने में नुक्स निकालते हैं। कोई चैलेंज करे कि आप खाना बना के दिखाओ तो हम एक रविवार को पूरी तैयारी के साथ अच्छा खाना बना भी देते हैं, और वो टेस्टी होता है। तो क्या रोज वैसा ही खाना बनेगा? मुमकिन नहीं है, क्योंकि खाना बनाना हमारा काम ही नहीं। तो क्या जिंदगी भर पैड पेन से लेकर सवाल ही पूछते रहोगे क्या? सर ये मेरी ड्यूटी है सर, जनता जो सवाल पूछना चाहती है वो मैं पूछता हूँ, उनका प्रतिनिधि बनकर। उतना काफी है क्या? देश में अच्छा बुरा होने पर आगे नहीं आओगे क्या? आऊंगा ना, कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में नहीं, लड़ूंगा, पर नागरिक की तरह, किसी मुख्यमंत्री की तरह नहीं। असल में तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कुछ अच्छा काम करके जनता के दिल में अपनी जगह बनाना, अच्छा काम करने वाला राजनीति में आएगा ये आशा जनता के मन में जगाना, जबकि तुम्हें खाना खाना और जाकर के संडे को फिल्म देखनी है। और वैसे भी चीफ मिनिस्टर खाना नहीं खाता, फिल्म नहीं देखता, किसने कहा तुझे? अरे पुरुषोत्तम अब हम कहीं नहीं जा सकते, मेहमान लोग आ गए हैं, हर चैनल पे हमारा नाम है, एक टीवी भी नहीं बचने वाला है, कहीं जाके छुप जाओ। ए, क्या कर रहे हो? छोड़ा मत, अगला सीएम तू बनेगा। मेरी बात सुनो, तू अपने आप को समझता क्या? सीएम बनेगा तू? मारो इसे, मारो, मारो। तू कहाँ जा रही है? आए तू हमारा वीडियो बनाएगी, हमारा इंटरव्यू लेगी? नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या है ये, फोटो निकालेगा? ये ले निकाल, लाइट मैन लाइट लगा। अरे निकाल ना, निकाल सर, क्या कर रहे हो? अरे निकाल ना, निकाल सर, आप दिख रहे हो? अच्छा ये इसे मैं तोड़ देता हूँ, ये ले। अरे क्या कर रहे हो? फोटो निकालेगा बहुत मार रहे हैं लोग। आ गया, अबे जा बे चिरकुट। मर गया कमीना, बड़ा आया था सीएम बनने। सुनो बहन जी, हाँ?
आपके घर में पानी हाँ, आ रहा है तो मेरे घर में क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या, लाइट भी चली गई? बाकी सबके घर में तो है। अरे फोन भी बंद है, मैं जाके कंप्लेंट करके आता हूँ। कितने ऑफिस में जाके कंप्लेंट देंगे? सर, आप कौन है जी? मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ सर। क्या बात है, आपका घर कॉर्पोरेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ बना आप है। क्या कह रहे हैं? ये देखिए, आप लोगों ने 8 इंच जमीन पे कब्जा किया हुआ है, हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं। लेकिन 10 सालों से ऐसा ही है, इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक आज कैसे हो जाएगा? देखिए, हमें ऑर्डर आया है, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। अरे साहब, देखिए मुझसे आप बहस मत कीजिए, जो ऑर्डर मिला है वो मुझे करना होगा। ठीक कह रहे हो, शुरू हो जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हमारा घर नहीं, क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, अरे अरे अरे, ये मेरे खून पसीने की बनाई हुई कमाई का है। सब सत्यानाश हो गया। अरे जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है, हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले लाइट चली गई, फिर पानी चला गया, फोन कट करवा दिया और उन पापियों ने घर ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारे एक दिन के मुख्यमंत्री बनने की वजह से हमारा ये हाल कर दिया उन्होंने। माँ को अंदर लेकर जाइए। चलो अंदर चलो। मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। मेरे चैनल को तोड़कर मुझ पर हाथ उठाया, ये सब उस चौधरी का काम है। उसके आदमियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। बलराम, हाँ, तू जल्दी से एक वकील को लेकर आ। हाँ। तुम रुको, क्या करने जा रहे? केस डालोगे क्या? आइडिया अच्छा है। अब तक के पेंडिंग केस 3 करोड़ है। तुमने ही टीवी पर कहा था तुम्हारा केस पूरा होने में 25 साल लगेंगे। इस बीच वो लॉयर 2 बार मार खाएगा। क्यों भाई, स्वतंत्रता मिलने से लेकर अभी तक कितने सारे नेताओं के ऊपर कितने सारे केस हैं? आज तक एक भी नेता को सजा हुई है कभी? वो केस पूरा होने तक आराम की जिंदगी जीता है और वो फाइल दीमक खाते रहते हैं। तो फिर उन्हें ऐसे ही जाने दो क्या? नहीं, मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं टीवी चैनल्स को मैगजीन वालों को बुलाकर उस सीएम चौधरी को चीर कर रख दूंगा। क्यों, टीवी को तबाह कर दिया, देख लिया ना? लेकिन मैंने क्या गुनाह किया है सर? हमारे देश में अच्छा काम करना गुनाह है। मैंने इंटरव्यू लिया था, वो गलत है, वो मेरी ड्यूटी है सर। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनूंगा। उस कुर्सी पर बैठकर जो करना चाहिए, जो मेरा फर्ज है, मैंने वही किया और अपना वो काम करके मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया हूं। मैं बस एक साधारण इंसान हूं। अब मेरे साथ ये सलूक क्यों कर रहे हैं वो लोग? तो मामूली आदमी हो, ये किसने कहा? जिस दिन से तुम उस सीट पर बैठे हो उस दिन से नेता बन गए हो तुम। मेरी बात सुनो, राजनीति एक भूत है, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कल वो जीतेगा तो वो तुम्हें पुलिस से मार खिलवाएगा, हर जगह गुंडों से पिटवाएगा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब मुझे क्या करना होगा सर? एक ही रास्ता है, अपने परिवार को लेकर ये राज्य छोड़कर भाग जाओ, या तो राजनीति में उतर जाओ। नहीं, मुझे राजनीति में नहीं उतरना, मुझे राजनीति में नहीं उतरना सर। बस यहीं पर नेता जीत जाते हैं, क्योंकि जनता को तो बस गूंगे की जिंदगी चाहिए, इसीलिए नेताओं का डर खत्म हो चुका है। अरे यही इस देश के लिए श्राप है। एक बात बोलता हूँ, हमेशा याद रखना, जब तक आप नहीं बदलेंगे ये देश कभी नहीं बदलेगा। हे ऑटो, इधर आ। नहीं, मेरे ऊपर के ऑफिसर को पता नहीं चलना चाहिए, उन्हें पता चल गया तो मेरी नौकरी गई। जब तक ये नहीं आते मुझे मेरे पोस्ट पे रहने दो भाई। हटो ना, मुझे देखने दो। सर, आप यहां... मेरा मन नहीं माना इसीलिए चला आया। क्या सोचा है तुमने? अरे रुको जरा, मुंह तो धोने दो। अरे हटो 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 हटो, अरे टॉयलेट तो जाने दो। ए हाथ निकाल, हट। अरे हाथ निकाल ना।
कमर पर हाथ नहीं, कमर पर, कमर पर हाथ नहीं देना। चलो हटो हटो, हटो, रुको रुको। नमस्ते, मैं विपक्षी पार्टी का नेता वराहल राव, आप मुझे जानते ही होंगे। मुझे पता था आप सुबह सुबह बाथरूम आओगे, इसलिए मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रहा था। सुनो, हमारी पार्टी में 40 एमएलए हैं, जहां कहोगे वहीं साइन कर देंगे। आप बस हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। सीएम मैं बनूंगा या आप, यह हम बाद में तय कर लेंगे। अरे सुनो ना, रोकड़ा लेकर आया हूं, वैन में है 100C। 100C मतलब 100 करोड़ रुपए। अरे छी, क्या आदमी हो यार तुम, टॉयलेट जाते समय क्या दम लगा रहे हो। ए चलो चलो तुम, चलो रुको रुको, हार निकालने दो। हाँ जाओ। अरे यार ये फॉरेन नहीं, यूरिन जा रहे हैं, क्यों पीछे पड़े उनके। नमस्ते पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी, अरे ये क्या पूरा नाम ही बदल दिया। ये बुके दो मुझे। हाँ। मैं जातीय पार्टी से आ रहा हूँ, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे। दिल्ली से आपके विकास के लिए 500C आए हैं, फोन पे आप हमारे साथ हैं, हमारे लीडर से बोलिए। क्या कहा, 500C? पुरुषोत्तम इनकम टैक्स वाला का नंबर दो। नहीं जी, पुरुषोत्तम जी से कह के हमारा मैटर कंफर्म करवा दीजिए, आपको 2C देंगे। अबे जावे चिरकोट। तिरुपति स्वामी जिंदाबाद, तिरुपति स्वामी जिंदाबाद, तिरुपति स्वामी जिंदाबाद, तिरुपति स्वामी जिंदाबाद। देखो मैं मित्र प्रकाश का नेता तिरुपति स्वामी हूँ, आपको राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं, आपका समर्थन हमारे साथ रहेगा इतना ही काफी है, हम आपको अपना नेता मानते हैं, एक दिन का सीएम मान के हम आपके आशीर्वाद से सरकार चलाएंगे। पुरुषोत्तम, ये नाम लेके कौन पुकार रहा है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तेरे ससुर जी। आओ बेटी। ए हटो भाई। नमस्ते। अरे हटना बेटा, टीवी में बता रहे थे कि आपको किसी ने मारा, और ये सुनते ही चंद्रमुखी बहुत घबरा गई, मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया इसीलिए आपसे मिलाने ले आया हूँ। कैसे हो तुम, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ चंद्रमुखी। बेटा मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। फैमिली मैटर है यार, इन्हें परेशान मत करो। टीवी में हर कोई तुम्हारा नाम ले रहा था तो मैं बहुत परेशान हो गया, कहीं ये लोग मिलकर तुम्हें राजनीति में ना उतार दे, इसी बात का मुझे डर है। राजनीति में नहीं उतरना बेटा, एक बार राजनीति में पैर रख दोगे तो मरने तक वापस नहीं आ पाओगे, और शांति से तुम जी भी नहीं पाओगे। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा, एक पिता की हैसियत से कह रहा हूं। कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम एक बार अपनी चंद्रमुखी के बारे में जरूर सोच लेना बेटा। पुरुषोत्तम, ये लड़की तो देवी की तरह है। मेरी बात मानो, इस लड़की से शादी कर लो, राजनीति छोड़ के हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं। ए बलराम हटो। नहीं होगा, सब मेरे कंट्रोल में। अबे जावे चिरकुट। अबे जावे चिरकुट। तुम्हारे लिए बाहर कितने लोग वेट कर रहे हैं तुम्हें पता है? सिर्फ तुम्हारी हाँ सुनने के लिए करोड़ों रुपए वैन में रखे हैं, तुम्हें खरीदने के लिए ऑपोजिशन पार्टी एक तरफ है, अरे मेरा बात ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, और इंडिपेंडेंस एक तरफ। तुम्हें मारा है ये सुनकर युवा संघ के लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। जो भी चैनल ऑन करो सिर्फ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ही सुनाई दे रहा है, तुम्हारा नाम हर तरफ है, पूरे देश की जनता तुम्हारे साथ हो गई है पुरुषोत्तम। सिर्फ इंडियन चैनल्स पर ही नहीं, बाहर के चैनल्स पर भी सिर्फ तुम्हारी ही न्यूज दिखाई जा रही है। बताओ ना तुमने क्या डिसाइड किया है? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, और आप भी प्लीज प्लीज रुक जाइए। मैं सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। देखिए मैं एक आम आदमी हूँ, इस जुल्म से ये मार खाकर मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ, दया करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। साइड हटिए, साइड हटिए प्लीज। पुरुषोत्तम इधर आओ, इधर आओ। हेलो सर, हेलो सर, सर सर सर, आओ बताता हूं सर, ये देखो जनता को। पुरुषोत्तम, ये पैसा देकर बुलाई गई जनता नहीं है, खाना पीना देकर लॉरी में बैठा करके यहाँ तक लाई गई जनता नहीं है, अभिमान से आई हुई जनता है। एक एक का चेहरा पढ़कर देखो, एक अच्छा नेता मिला क्या? क्या अब तक कोई अच्छी सरकार आई क्या? एक अच्छे भविष्य के इंतजार में ये अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अगर इनसे क्या बनना है पूछो, तो कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर, कोई वकील बनना चाहता है, लेकिन एक भी कोई नेता बनना चाहता है क्या? पूछो इनसे, सब यही कहेंगे कि राजनीति एक कीचड़ है। अगर ये पता है तो साफ क्यों नहीं करते? खैर वो छोड़ो, राष्ट्र को गलत नेताओं के हाथ में देकर खुद कीचड़ में जी रहे हैं ये लोग।
तुम्हारे जैसा नौजवान क्या सोचता है, बस पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी सुंदर लड़की से शादी हो जाए और परिवार बस जाए। पूरी जिंदगी पसीना बहाते रहते हैं और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके शहर के बाहर एक जमीन खरीद कर उसमें घर बनवाते हैं, उसे अच्छे से सजा धजा कर उसमें आराम से बैठ कर बस उनका एक ही काम होता है, दुनिया भर का अखबार पढ़ते हैं, मेरा परिवार मेरी बीवी मेरे बच्चे कह के मर जाते हैं बस। अगर आज महात्मा गांधी के लिए उनका परिवार उनके बच्चे इंपॉर्टेंट होते ना तो इस देश को आजादी नहीं मिलती। थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसा सोचा होता तो बिजली मिलती क्या? ग्राहम बेल ने ऐसा सोचा होता तो आज कोई भी टेलीफोन या मोबाइल पे बात कर पाता क्या? अरे रेशम के कीड़े भी मरने से पहले ऐसा रेशम देकर के मरते हैं जो कम से कम 100 सालों तक चलता है। अरे हम तो इंसान हैं। उसे देख रहे हो हा? उसका और तुम्हारा संबंध क्या है? तुम्हें देखने के लिए वो सुबह 5 बजे से यहां बैठा हुआ है। भाई यहां क्यों आए हो आप? हमारा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया है सर, हमारे नेता बनकर इसे बचा लीजिए। चुनाव में जनता पार्टी के पुरुषोत्तम ने बहुमत हासिल करके जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने सभी क्षेत्रों में भारी बहुमत से जीत का रिकॉर्ड बनाया है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री बनके मिस्टर पुरुषोत्तम क्या करिश्मा दिखा पाएंगे। सबको मेरा नमस्ते। देखिए, मुझे आपसे एक ही आशा है और वो ये है कि मैंने जो एक दिन में करके दिखाया था वो हम सब हर रोज करें और ये काम अच्छी तरह हो, इसीलिए मैं हर विभाग में 2 मंत्रियों को नियुक्त कर रहा हूं, एक अनुभवी बुजुर्ग इंसान और दूसरा उत्साही युवक।
हमारे देश में हर चीज के लिए नियम होते हैं पर उन पर अमल नहीं किया जाता। मटके में छेद हो तो पानी टपकता ही रहेगा, गलतियां होती ही रहेंगी। उन गलतियों को सुधारने के लिए हम जो भी करें फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें यह जानना होगा कि राज्य के कौन से कोने में कौन सी गलती हो रही है। हमें उस गलती को सुधारना होगा, गलती करने वाले को सजा देनी होगी। इसीलिए मैं एक नई योजना का आयोजन कर रहा हूँ। ये एक कंप्लेंट बॉक्स है। लेकिन हर विभाग में शिकायत करने की सहूलियत ऑलरेडी है, तो फिर गलतियां हो ही क्यों रही हैं? क्योंकि ये सहूलियत आम आदमी की पहुंच से दूर है और इसमें डाली हुई हर शिकायत जिसके खिलाफ शिकायत की गई उसी तक पहुंच जाती है और कोई एक्शन नहीं ली जाती। इसका मतलब वो कंप्लेन बॉक्स बस दिखावे के लिए रखा जाता है। लेकिन आज के बाद ये कंप्लेन बॉक्स हमें हर तरफ नजर आएगा, हमारे राष्ट्र के हर चौराहे पर। नल में पानी नहीं आता, लाइट नहीं आती, रोड की हालत खराब है, कोई काम करने के लिए रिश्वत मांग रहा है, IPS, IAS, मंत्री। इतना ही नहीं, अगर मैंने भी गलती की है तो जनता बिना डरे अपनी शिकायत डाल सकती है। अगले 24 घंटों में उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर जो भी गलती है उसे सुधारा जाएगा। इसीलिए मैं एक इंडिपेंडेंट विभाग शुरू कर रहा हूँ और वो है शिकायत का विभाग। ये सीधा मेरी निगरानी में होगा। जब ये शिकायतें धीरे धीरे कम होकर ये डिब्बा खाली होगा उस दिन सरकार अच्छा काम कर रही है ये हम मान लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। ने एक बार कुर्सी को लात मार दी, एक ही इलेक्शन में हम सबकी राजनीति जिंदगी को खत्म कर दिया। वो कुर्सी पर रहेगा, हम लोगों की राजनीति नहीं चल पाएगी। जब तक वो पावर में है मुझे लगता है कि हमें गांव जाकर रहना चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बताकर हमारे ब्लैक मनी को कुरेदना शुरू कर दिया है। पिछले जन्म में वो जरूर किसी जानवर की औलाद रहा होगा। पुरानी सारी फाइल्स निकाल के पूरे 800 केस दर्ज किए हैं उसने। हमें जेल में डालने तक वह चुप नहीं बैठने वाला है। हमें सावधान रहना होगा, उसे खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चलो पति। क्या है नेताजी? तुमने बॉम्बे की किसी पार्टी के बारे में बताया था। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी हैं। एसिड डालने वाले, गला काटने वाले, AK-47 वाली पार्टी, जहर देने वाले, इंजेक्शन देने वाले, बॉम्ब लगाने वाले को लेकर आओ। हाँ। उसे खत्म करने का यह बढ़िया तरीका है, दूसरों पर इल्जाम डालने में भी आसानी होगी। ए चंद्रू, पुरुषोत्तम ने ये प्रेजेंटेशन तुम्हें देने को कहा है। अरे ये क्या, गांव के लड़की के लिए सेलफोन? सीएमजी लाइन पे है। ओके, बटन दबाओ और बात करो। हेलो, हेलो, मैं चलता हूँ, तुम बात करो। हेलो, कैसी हो तुम चंद्रमुखी? तुम मुझे अभी भी याद करते हो? ऐसा मत कहो चंद्रमुखी। जब से मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ न जाने कितने गुलदस्ते आए, पर तुमने जो प्यारा सा फूल भेजा था तुम जानती नहीं हो मेरे दिल के कितना करीब है। मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ। तुम तक आने से मुझे कोई रोकेगा नहीं, पर काम बंद करके तुम तक आ भी तो नहीं सकता। तुमसे बात करने के लिए फोन किए थे पर तुम्हारे पिताजी फोन उठाकर तुम घर पर नहीं हो ये कहकर फोन काट देते थे, इसीलिए सेलफोन भेजा है। जब भी तुम मुझसे बात करना चाहोगी इस सेलफोन से बात कर सकती हो। तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आओगे? इस रविवार आ जाऊंगा। रविवार को मैं इंतजार करूंगी। 6 रात और 5 दिन है, इस बीच कुछ हो जाएगा इसका डर है मुझे। तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरे लिए सरकारी नौकरी करने वाला एक लड़का ढूंढ रहे हैं। डाकिया, करंट निकालने वाला, पोलियो की डोज देने वाला, खेतों में दवाई देने वाला, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम्हें डरने की, प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो, मुझे उनसे बात करनी है। उनसे? किससे? यहाँ पे 30 उन हैं। देखो मैं भी एक उन हूँ, इनमें से कौन उन चाहिए? मैं चंद्रमुखी बात कर रही हूँ। चंद्रमुखी, ये बात पहले ही बोल देती। देखिए इंतजाम में। सर, फोन। किसका है? उनका। कह दो, बाद में बात करूंगा। जी हाँ, तो मैं कह रहा था सर कुछ काम में, बाद में बात करेंगे। हेलो, सीएम स्पेशल पीए बलराम पीए स्पीकिंग, कौन? मैं चंद्रमुखी बात कर रही हूँ। चंद्रू, मैं बलराम बोल रहा हूँ, कैसी हो तुम? तुम ये सब छोड़ो ना, पहले उनसे बात करवाओ।
वो बहुत जरूरी मीटिंग में है, जैसे ही फ्री होंगे तुमसे बात करवा दूंगा। झूठ बोल रहे हो, कोई भी उनसे बात नहीं करवा रहा है और वो भी मुझे फोन नहीं कर रहे हैं। मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। सीएम की नौकरी ऐसी ही होती है, उनका टाइम उनका नहीं होता, समझो जरा। चंद्रमुखी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं पिताजी। उसे बाहर निकालो। ये कहाँ से आया? भेंट दिया है। किसने? उन्होंने। उसे तुमसे ज्यादा राजनीति प्यारी है, फिर उससे बात क्यों कर रही हो तुम? कौन है? अरे ये तो वो हैदराबादी है, आओ आओ आ जाओ। प्लीज कैरी ऑन। जाति के नाम पर दंगे करवाने वाले पिछले मुख्यमंत्री चौधरी जी को आपने उनकी पदवी से हटा दिया है। जातिवाद हटाने के लिए अब आप क्या कदम उठाने वाले हैं सर? जनता जानना चाहती है। हमारे इस देश में कुल मिलाकर 350 जातियां हैं, पर गवर्नमेंट उतना रिजर्वेशन नहीं दे सकती, तो 350 जाकर सिर्फ 4 रहेंगे। समझ में नहीं आया सर। अब से किसी भी स्कूल और कॉलेज एप्लीकेशन में जाति का कॉलम ही नहीं होगा, सिर्फ 4 विभाग होंगे, SC ST, मोस्ट बैकवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। आप कौन से विभाग में हो यह आप तय कीजिए। इस नियम से आप दलित समाज के उनके आकर्षण और नौकरी से उनको दूर कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र की हर जाति इन 4 विभागों में से किसी एक में आएगी ही ना? हाँ। तो उन्हें जो सहूलियत मिल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आप शायद कुछ जातियों का समर्थन खो देंगे। उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। हर मिनिस्टर जातिवादियों का सपोर्ट चला जाएगा इस डर से। आज तक अच्छा काम करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया है। आजकल हर गली कोने के नुक्कड़ पर जातिवादियों के संघ आ गए जो इस राष्ट्र को डरा रहे हैं। पर इन सब से डरने वाला नहीं हूं मैं। इस राज्य और इस देश के लिए जो सही है मैं बस वही करूंगा। आपके ये सब करने से जनता को क्या फायदा होगा? आगे 25 सालों के बाद आने वाली पीढ़ी को वो कौन सी जात के हैं ये पता नहीं होगा। अगली पीढ़ी 4 जातियों की 2 जातियां करेंगी, शायद 2 का 1 भी कर दें। आखिर में एक ही जाति बचेगी, इंसानियत की। वेल, थैंक यू। Control from Alpha. BAP about to start. Over. Mr. Manohar, मैं पर्सनल काम के लिए गांव जा रहा हूँ। इतनी सारी गाड़ियाँ किस लिए? कोई प्राइवेट टैक्सी अरेंज कर दीजिए। सॉरी सर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे ये कार आपके साथ ही जाएगी सर। मेरे अकेले की सिक्योरिटी के लिए इतना खर्चा करना गलत है। मुझसे पहले जो CM थे उन्होंने फिजूल खर्चा करके जो गलतियाँ की, मैं उन्हें किसी भी हालत में दोहराना नहीं चाहता। मैं बहुत मामूली इंसान हूँ और आप जानते हैं ना, मैंने मंत्रियों की प्राइवेट गाड़ियाँ बंद कर दी तो मुझे। सर आप मुझे गलत मत समझिए, आपको मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए हमें आपको जेड सिक्योरिटी देनी ही होगी सर। ये हमारी जिम्मेदारी है सर। आप इस राज्य के मुखिया हैं सर, और इसीलिए आपकी जान हमारे लिए बेशकीमती है। आपको कहीं भी जाना है इस कार में जाइए सर। ठीक है, तो मैं कहीं नहीं जा रहा, प्रोग्राम कैंसिल। BAP ट्रिप इज कैंसल्ड, ओवर। अरे मेरी चंद्रमुखी, चंद्रमुखी,
कोई देख ना ले। देखो नियम के अनुसार आपको एक फीट देता हूँ और आधा फीट पत्थर 2 इंच तक डालना होगा। रोड पे रोलर को 5 बार घुमाना होगा। जो रोड बनेगी उसे 5 साल तक चलना चाहिए। बारिश में अगर रोड पे कहीं गड्ढा हुआ ना तो तुम देख लेना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे पुरुषोत्तम की सरकार है, याद रखना। सही कह रहे हो चाचा। हाँ देख रहा हूँ हमारी क्या हालत हो गई है, वही भी बोलकर चला जाता। रमैया वस्ता वैया मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया वस्ता वैया। अरे भाभी जी, रमैया वस्ता वैया, मुझे जरा एक बढ़िया सा गजरा दे दीजिए। जब से पुरुषोत्तम साहब का राज आया है हर जगह बस गजरे ही गजरे, बताइए कौन सा वाला चाहिए। अच्छा दे दीजिए। अरे बाप रे, अच्छा सुनिए मैं पैसे लाना भूल गया हूँ, अगली बार दूंगा तो चलेगा क्या? आजकल तो जान पहचान वाले धोखा देते हैं और आपकी शक्ल तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये चेहरा तो पहचानती है ना? अरे रे मुख्यमंत्री साहब, जोर से मत चिल्लाओ, एक प्राइवेट काम करने आया हूँ, प्लीज किसी को बताना मत। सर वो भेष बदल के आया है, पीली शर्ट और सफेद धोती पहनी है उसने, बोलिए क्या करना है। तुम उस पे नजर रखे रहो, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है। अरे रे इस वक्त फोटो निकालने के लिए भी कोई नहीं है, क्या बदकिस्मती है। अच्छा ये लीजिए, इस पे अपना दस्तखत दे दीजिए। रविवार को आऊंगा तो आना ही पड़ेगा। देशवासियों से वादा करते तो पूरा करते हो, घर वाली हूँ इसलिए ऐसा करोगे क्या? कैसे आदमी हो तुम? अरे घर पे कोई है क्या? कोई भी नहीं है। अरे तो बात किसने की, भूत-भूत है क्या? एए। रुको रुको रुको, ओए कौन हो तुम, सीधे अंदर चले आए, क्या चाहिए? कुछ चाहिए तभी तो सीधा अंदर आ गया हूँ। तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। वैसे भी मैं कोई नेक काम करने आया ही नहीं हूँ। क्या करोगे? होठों को छील के, गाल पे काट के, कमर पे चुटकी लेके चांस पे डांस करना है मुझे। तो करो। अरे पापी औरत, धोखेबाज। एक कान खजूरे, पगड़ी पहन ली तो क्या मैं तुझे पहचानूंगी नहीं? निकालो इसे। ये क्या हुलिया है? चंद्रमुखी, आज मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना कोई फाइल्स है, ना आसपास पुलिस है, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, बस एक साधारण इंसान हूँ जिसे तुमसे प्यार है। आज का दिन सिर्फ तुम्हारे नाम। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत भूख लगी है चंद्रमुखी। मैंने सोच लिया कि तुम नहीं आओगे, कैसी पागल हूँ, इसलिए मैंने कुछ अच्छा बनाया भी नहीं है, रात के बचे हुए चावल है। उतना काफी है? उसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस चावल के साथ मेरे पास तुम हो, और क्या चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ चंद्रमुखी, हफ्ते में 2 रविवार आते तो कितना अच्छा होता। तुम तो मुख्यमंत्री हो ना? हाँ? फिर तो जितने दिन की चाहो छुट्टी ले सकते हो ना? तुम्हें कौन पूछने वाला है? पर वो तो गलत होगा, जनता का मेरे ऊपर अधिकार है, मैं उनका नौकर हूँ। चो स्वीट। तुम भी तो चो स्वीट हो। आखिर तुमने अपने जिद्दी पिता को शादी की बात करने के लिए राजी कर लिया है, अब देखती जाओ आने वाले मुहूर्त पर हमारी शादी होगी। गले में एक मंगलसूत्र पहनाऊंगा, तुम्हें एक सुंदर सा बच्चा भी दूंगा, तुम्हारी तरह एक खूबसूरत लड़की होगी और हम दोनों की। सॉरी सर, आपकी परमिशन के बिना हम यहाँ पर आए आपकी जान बचाने, ये हमारी ड्यूटी है। गो डाउन, अटैक अटैक।
कम फास्ट Situation is under control, sir. It's safe to come out, sir. सब अच्छे से साफ करो, please. जल्दी, जल्दी, sir. जल्दी करो. सब साफ कर दो. ऐसा कुछ हो गया बेटा. सोचा. देखो बेटा, तुमने मौत से खेलने वाली जिंदगी चुन ली है. लेकिन ये मुझे और मेरी बेटी को नहीं चाहिए. पिताजी, ये इतना सब होने के बाद भी तुम इससे शादी करना चाहती हो? इससे कहो कि सब कुछ छोड़कर ये मामूली व्यक्ति बनकर आए, वरना तुम कंवारी रहोगी, वो भी मुझे मंजूर होगा, पर तुम्हें एक विधवा के रूप में मैं नहीं देख सकता. बेटी, चलो यहाँ से. आओ. ये क्या कर रहे हैं पापा? मुझे आपके पैर दबाने चाहिए और आप... मौत से बच के आए हो बेटा, तुम्हें छू के महसूस करना चाहता हूं. पर आप पैर क्यों दबा रहे हैं पापा? बचपन में तुम्हारे पैर नहीं दबाए क्या? आजकल कितना टेंशन है तुम्हें. मैं पैर दबाता हूँ, तुम सो जाओ. अरे सो जाओ. मेहंदी है, मेहंदी लगा दो ना. तुम्हारी गोद में सोए बहुत दिन हो गए माँ. हाँ. पूरी जिंदगी ऐसी ही होती तो कितना अच्छा होता. नो सीएम, नो सिक्योरिटी. जिंदगी में भी वीसीआर की तरह रिवाइंड बटन होता तो कितना अच्छा होता. क्या बात है माँ? तुझसे बैठ के बात किए हुए कितने दिन हो गए, लगता जैसे तू कहीं दूर चला गया है. तुम बात करो ना माँ. क्या बात करूं? हेलो 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 हेलो. और क्या बात करूं मैं, तेरी शादी के अलावा चंद्रमुखी के पिता से बात हुई? सब ठीक है माँ. पर क्या बेटा? पापा फोन कर दीजिए आप, और पापा एक बार उनसे बात करके देख लीजिए. मूर्ति कृष्णा लाइन पे है, शायद कोई जरूरी बात होगी. हेलो सर, मूर्ति कृष्णा. हेलो सर, मूर्ति कृष्णा बोल रहा हूँ मैं. हेलो हेलो सर. सर यार नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं बाहर आता हूँ, आप लाइन पर रहिए. जी सर. सर हेलो सर. हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है, बोलिए. सर सर हाँ. अभी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई है सर, घर पे बॉम्ब रखा हुआ है सर. सर आप बाहर निकल जाइए सर. माँ, 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 पापा, नहीं, 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 माँ, माँ, माँ. माँ, माँ,
नहीं। पापा, जिंदगी में भी VCR की तरह रिवाइंड बटन होता तो कितना अच्छा होता। तुम बहुत खुश नसीब हो तुम। अरे छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हो? मैं पुरुषोत्तम नारायण इस मुख्यमंत्री के पद का स्वीकार करता हूँ। इस राज्य और इसकी जनता की मैं निस्वार्थ सेवा करूंगा, किसी में कोई भेदभाव किए बिना सबके हक की रक्षा करूंगा। आज मैं ये शपथ लेता हूँ। क्यों? क्यों? मेरे माता पिता ने क्या बिगाड़ा था तेरा? उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने। जिसने मुझे चलना सिखाया उस बाप के हाथ नहीं मिल रहे। जिस माँ ने मुझे सीने से लगाया, कहाँ है वो? कहाँ है? माँ जी, हम मरने वाले के शरीर को आग देते हैं ना। मैं अपने माँ बाप को साफ करके आया हूँ माँ जी, इसकी वजह से। CM का पद इतना इजी है तुम्हें लगा? उछल कूद करके क्या कर दिया? इन सब चीजों को न मानने वाले जातिवादी, आतंकवादी, विदेशी शक्तियां ऐसे कितने ही दुश्मन हैं। कुछ भी हो तो मुझे दोष दोगे क्या? झूठ मत बोल, मैं जानता हूं ये तेरी करतूत है। झूठ मत बोल, तुझे ले जाने के लिए कानून आएगा। राजेश्वरी, मेरे बाल खराब करके चला गया, कंघी दो। जलपति, वो मुझे अरेस्ट करे उससे पहले उसकी सरकार गिर जानी चाहिए। जगह जगह पर हड़ताल, दंगे, फसाद, सांप्रदायिक मुठभेड़, ये सब चीजें होनी चाहिए। यहां वहां बम फूटने चाहिए, लोग मरने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ दिनों से मुझे धमकी देके कुछ गुंडे मेरे घर पे रह रहे हैं। मुझे उन लोगों पे शक है, उनकी बातें सुनी है मैंने। वो लोग कहीं पे बम लगाने की बातें कर रहे थे। इससे पहले कि वो लोग कोई बड़ा अपराध करें, आप उनके खिलाफ जल्द से जल्द कुछ एक्शन ले लीजिए। आपके माध्यम से सबका भला हो, यही मेरी इच्छा है। मैं अपना नाम बताना नहीं चाहता। ओह माय गॉड। सुनो सर, ये लेटर किस एरिया का है? देखो, उसके लिए वक्त नहीं है, पहले चलपति को अरेस्ट करो। ओके सर। मैंने कहा था चलपति को अरेस्ट करके पूछताछ करो, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सर, हम अरेस्ट करने वाले हैं इसलिए BP शुगर का बहाना करके हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। आजकल ऐसे भर्ती होना एक स्टाइल हो गया है सर। देख रहे सर, कैसे एक लाश की तरह पड़ा हुआ है। मिस्टर चलपति, कुछ जरूरी पूछताछ करनी है, क्या आप कोऑपरेट करेंगे? देख रहा सर, ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे इसको ऑस्कर मिलने वाला हो। एक्सक्यूज मी सर, इन्हें हाई BP है, हाई शुगर है, सीने में दर्द सब है, ये बात नहीं कर सकते हैं। हो, लॉयर के साथ साथ डॉक्टर की भी नौकरी करते हैं क्या? आप इनका मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। मिस्टर कृष्णा सर, ट्रीटमेंट दे दिया है?
इनके पैर में एक छोटी सी फुंसी है सर, हाई शुगर की वजह से वहाँ सेप्टिक हो गया है, इसीलिए उसके इलाज के लिए इसका एक पैर काट करके फेंक दिया गया है सर। मेरा पैर कहाँ गया? अरे बाप रे, इसका तो शुगर बढ़ गया सर। क्या करना होगा? दूसरा पैर काटने के सिवा मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है सर। सर प्लीज, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करिए, आप लोग बाहर जाइए। अरे वकील, चुपचाप निकल ले यहाँ से, इसकी बात मत मानो। मैं बहुत हेल्दी हूँ सर। सही कहा, हर मरने वाला आदमी ऐसा ही बोलता है। तुम्हें बीपी है, शुगर है, मेडिकल बुक में जितने रोग है सब तुम्हें। अरे सर, ये सारे सर्टिफिकेट झूठे हैं। मरवा दिया, गेट आउट। तो बात करें अब, इज्जत से बता दो बॉम्ब कहाँ कहाँ रखे हैं? टाइगर बाम या झंडू बाम सर? इस समय भी कॉमेडी, इस पे हम लोग हंसे क्या? दूसरा पैर भी कटवा दूंगा। सच बोल। सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर। मेरी बात को और से सुन। तूने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी। तूने ही कहा है तुझे हाई शुगर है, झूठे सर्टिफिकेट्स दिए। अगर मैं तेरे हाथ पैर काट भी दूं तो कोई मुझसे पूछेगा नहीं। चल बोल। हाँ भाई। हाँ सर। ये तीन में से एक पकड़। ये किस लिए? हाथ काटने के लिए। और ये पैर काटने के लिए। और ये वो काटने के लिए। अरे बाप रे, कुछ मत काटो, मैं बताता हूँ। चल बता। चार जगह पे लगाया है, रिजर्व बैंक, रेलवे स्टेशन, कोटी में शादी के एक मंडप में और एक ट्रैफिक पुलिस की बाइक में। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सच में कटवा दूंगा। जल्दी से कमिश्नर ऑफिस को इन्फॉर्म करो, रेलवे स्टेशन, रिजर्व बैंक पर सिक्योरिटी भेजने के लिए बोल दीजिए। बॉम्ब स्पॉट्स को कांटेक्ट करके सारे स्पॉट्स पर जाने के लिए कहिए। एंड वन मोर थिंग, पुलिस कंट्रोल रूम फोन करके पुलिस के पास जितनी भी बाइक्स हैं सुनसान इलाकों में ले जाकर रखने के लिए कहिए। वहां से सबको हटा दीजिए। ओके। हाँ, कुछ मिला क्या? अब तक नहीं सर। आप जाइए सर, हम समझ। नो नो, आई हैव टू लीड बाय एग्जांपल। नो, कम ऑन। यहां पे चेक करो। वॉच। ओके, डिफ्यूज कर दो। कम ऑन, गेट बैक, पीछे हटो। आराम से। ये आरोप है कि पुरुषोत्तम सरकार को गिराने के लिए आप ही शहर में बम लगवा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सच है? बताइए सर। वही बम लगाते हैं, वही जाके निकालते हैं, आरोप हम पे लगाते हैं। ये क्या है, लगाया हुआ एक भी बम नहीं फूटेगा क्या? फटने से पहले ठीक उसी वक्त पहुंचकर उसे निकाल लेते हैं। विपक्ष अब एक हो चुका है और इस एकता की वजह से कहीं वो पावर में ना आ जाए, इसलिए साजिश की जा रही है।
उनके घर पे फटा था। वो तो मरा नहीं ना, आपने ही चारों जगह पे बम लगवाया था ऐसा माना जा रहा है। इससे पता नहीं चलता क्या, सिर्फ अपनी राजनीतिक इमेज को बचाने के लिए अपने ही माता पिता को मारने से पीछे नहीं हटा वो। क्या ये ऑपोजिशन का काम है? देखिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। खुद के माता पिता को मारने के लिए आपने बम लगवाया था ऐसा कहा जा रहा है। नो कमेंट्स, थैंक यू। मुझे क्यों बुलाया है? ए, देखो, मैं खुद इस सीट पर आकर नहीं बैठा, तुझसे छीनी भी नहीं है। लाखों लोग मेरे घर पर आए थे, मैं उनका भला करूंगा इस भरोसे से मुझे वोट देकर उन्होंने यहाँ बिठाया, और मैं उनका भला करना चाहता हूँ, लेकिन तू बीच में आ रहा है। तो कर, अच्छी तरह से कर। मैंने कहा मना किया है? मना नहीं किया, बर्बाद कर रहा है। जितनी मेहनत तुम सब गवर्नमेंट को गिराने के लिए कर रहे हो, उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत अगर जनता की भलाई के लिए की होती ना, तो देश बहुत आगे निकल जाता। जब देखो तब हड़ताल, जाति के नाम पे दंगे, ये बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ ना कुछ समस्या खड़ी करते हो। जनता की भलाई के बारे में सोचो या ये ढूंढता फिरू कि तुमने बॉम्ब कहाँ रखे हैं। शुरू से ही तुम मुझ पर आरोप लगाते आ रहे हो, पुलिस तुम्हारे हाथों में है, केस करो, पूछताछ करो, कमीशन बैठाओ और साबित कर पाओ तो मुझे फांसी दे दो। मैंने कहा मना किया है? ए, कानून के फंदे से नेता कैसे बचता है ये मैं जानता हूं, पर तू मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं तुझे मार दूंगा। मेरे पैंतरों को संभाल नहीं पा रहे हो ना? मच्छर के पैंतरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता मैं। ये राजनीति करते हुए मुझे आज 30 साल हो गए हैं। अब मैं तुम्हारे पास आया हूं, ये बाहर सभी को पता है कि यहां सिर्फ मैं और तुम हो। मुझे मार के तुम इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। अगर तुझे 30 साल का तजुर्बा है तो इस 1 साल में तुझे अच्छी तरह समझ कर मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। मैं अब गोली चलाने वाला हूं, तुझ पर नहीं, खुद पर। गार्ड्स, मुझे धोखा दिया तूने, मर। मैं आपकी सीट पर कैसे बैठ सकता हूँ? ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, एक दिन बनकर देखो। That was a good interview. अरे अरे, हे भगवान, हटो। सर 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 सर, देख लिया कृष्णा जी, मैं भी राजनीति की दलदल में फंस ही गया। ऐसा मत कहिए सर, उसने गलत काम के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया और आपने अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया। आप चिंता मत कीजिए सर, आपने मुझे कुछ बताया नहीं और मैंने कुछ सुना नहीं। आराम से सर, आराम से। क्या रे पापी, तू एक ईमानदार आदमी को मारना चाहता था, कैसा था सर? बेटा, मैं खेती के अलावा और कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो बस अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा स्वार्थी हो गया था। पर तुमने तो जनता के लिए परिवार तक का त्याग किया और अब तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो। दोनों खुश रहना।